Chandrakila ji, yeah. Good morning, one and all. I welcome you all to day three of Speak Make Sarvamangal Yoga series. We have with us Guru Rani Khanam ji, and we are on the third day of our wonderful Kathak learning experience. And I welcome you, ma'am. Good morning. Namaskar. Good morning. Ji, namaskar. Namaskar. Ji, ma'am. The students, I believe, are good. They're good to go. They've all done the riyas and they're ready with fresh minds for learning new things today. Shall we begin? Yes, ma'am. As you take us ahead. Good morning to all of you girls. Welcome for third day of workshop. आज बच्चे थोड़े कम दिख रहे हैं या बाद में ज्वाइन करेंगे क्या? जी मैम, कुछ कुछ बच्चे शायद लॉग इन कर रहे हैं. जैसे तुशीन वॉज जस्ट अपियर. या तुशीन इज हियर. सम ऑफ द स्टूडेंट्स आई या गर्ल्स काइंडली प्लेस ऑल योर कैमरा हॉरिजॉन्टली. काइंडली प्लेस योर कैमरा हॉरिजॉन्टली. सलोनी वर्मा आप कैमरा हॉरिजॉन्टली प्लेस करेंगे. अदिति राज कैमरा हॉरिजॉन्टली प्लेस करेंगे. दिस इज एन इंस्ट्रक्शन दैट यू ऑल हैव बीन गिवन. के सर्विका नेत्रा काइंडली स्विच ऑन योर कैमरा. नेहरा इसने राज आयुष यादव शर्मिष्ठा कैन यू प्लीज ऑन योर वीडियो. सार्विका जागृति कशिश नेहा आप सब अपना वीडियो ऑन करें प्लीज. जी पिन कर दिया आपने? मैंने आपको यस मैम आपको पिन किया हुआ. गर्ल्स अभी भी बहुत सारे बच्चे हैं जो सार्विका वगैरह इन्होंने अपना वीडियो ऑन नहीं किया. आप पहले वीडियो ऑन करें फिर हम क्लास स्टार्ट करेंगे. जागृति सरकार नेहा एंड आयुष यादव प्लीज ऑन करें. कशिश स्नेहा जागृति नेहा. कशिश आप कैमरा को हॉरिजॉन्टली प्लेस करेंगे. स्टूडेंट्स इट्स अ रिक्वेस्ट सभी अपने कैमरा को हॉरिजॉन्टली प्लेस करेंगे ना कि वर्टिकली. उसको हॉरिजॉन्टली प्लेस करेंगे. हाँ ठीक है. स्नेहा शर्मिष्ठा जागृति आयुष एंड नेहा जो वॉलंटियर हैं वो रहने दें बट जो नहीं है वॉलंटियर जो स्टूडेंट हैं प्लीज ऑन करें अपने कैमरे को. जागृति सरकार इज रिमेन अभी भी रुकी हुई. आयुष मैं यादव स्नेहा राज स्नेहा रे प्लीज आइए और जाइए नहीं स्टे नाउ. गुड शर्मिष्ठा थोड़ा एक मिनट बैठेंगे आप जमीन में और ताल की बात करते हैं. ताल तीन ताल जो हमने कल सिखाया था पहले उसको हम पढ़न पे मनन करेंगे. मनन के बाद फिर हम उसको करेंगे नृत्य के माध्यम से सीखेंगे. आज का जो फॉर्मेट है उसे आप समझ लें. जो कल हमने सीखा है वो हम लहरे के साथ प्रैक्टिस करेंगे. ताल को भी लहरे के साथ करेंगे और सारी चीजें करेंगे जो भी टेक्निकल है यानी नृत्य पक्ष है. दूसरा जो हमने आपको सिखाया है उम्मीद करती हूँ कि सारे स्टूडेंट ने उसे लिख लिया है. प्लीज मुझे ऐसे करके बताएं. जिन्होंने नहीं लिखा है अब हाथ नीचे करें. जिन्होंने नहीं लिखा है वो ऐसे हाथ खड़े करें. स्नेहा रे
एंड एनी अदर एल्स काव्या कैन आई स्पीक टू स्नेहा एंड काव्या वाई दे हैव नॉट रिटन यस्टरडे वॉज देयर आप दोनों थे क्या क्लास में आप स्नेहा को ऑडियो ऑन कर दे स्नेहा रे हाँ बताए आपने पहले दिन अटेंड किया था नो मैम टुडे इज माय फर्स्ट डे तो ये कैसे चलेगा क्लास मैम बिकॉज टुमारो मैम क्योंकि कल हमारी मैम ने हमें इंस्ट्रक्शन दिए थे स्पाइस मैगी के बारे में और आज हमें लिंक मिली है क्लास अटेंड करने के लिए ठीक है प्रांजलि अभी भी के सर्विका जागृति सरकार भूमि मैं उनसे मैं उन्हें लगातार मैसेज कर रही हूँ आयुष कैमरा ऐसे बार बार आप आ रहे हैं ऑफ कर रहे हैं कैमरा तो नहीं होना चाहिए क्लास में थोड़ी सिंसियरिटी भी होनी चाहिए और आप आ रहे हैं और जा रहे हैं ऐसा नहीं टेक्निकल इशू है समझ रहे हैं If I remove any participant, you won't be able to join back into the meeting ever. So please, if you want to stay in the class, kindly switch on your camera. Kindly talk to the, let us know on message. If there is a connectivity issue or something, keep us in the loop. Let us know what is the reason why you haven't switched on. Okay, now please, apni copy samne le aaye. अपनी कॉपी को सामने रखिए I also ma'am before just a minute Kashish and Aditi Raj who have raised your hand kindly leave a message on the chat for any question kindly leave a message on the chat all right sorry ma'am जी चलें हम कौन सा नृत्य सीख रहे हैं आप बताएं काव्या भरद्वाज हम कौन सा नृत्य सीख रहे हैं कथक ठीक है हम कथक नृत्य सीख रहे हैं और कथक शब्द का अर्थ है कथक कहकर नृत्य करने की प्रक्रिया को कथक कहते हैं कॉपी में देखें आप लोग जो मैं बोले चले जा रही हूँ इसको याद रखिए और कथक उत्तर भारत का शास्त्रीय नृत्य है वैसे तो 8 शास्त्रीय नृत्य हैं भारत के कितने प्रकार के हैं 8 प्रकार के शास्त्रीय नृत्य हैं और जिसके अंदर कथक उत्तर भारत का नृत्य है ठीक है कथक में का पहले मंदिरों में शुरू हुआ और आप इसको समझ लें जो मैं बता रही हूँ ये हम बाद में लिख लेंगे बेटे आप इधर ध्यान दें सब लोग मीरा अरणवीर मीरा अभी लिखेंगे नहीं लिखने के लिए हम क्रिया हम अब बाद में करेंगे क्लास के बाद आप अभी सुने जो मैं बोले जा रही हूँ ध्यान से आत्मसात कीजिए और इसके सुनने के बाद अगर आपको कुछ प्रॉब्लम लग रही है तो आप हाथ ही रेस कर सकते हाथ को रेस कर दीजिए कथक शब्द का अर्थ है कथा कहने वाला ये मंदिरों में नृत्य किया जाता था इसको करने के लोगों को कथावाचक कहते थे क्या कहते थे रिपीट करते जाए मेरे साथ कथावाचक कथावाचक मूल्यतः गाते थे और नृत्य करते थे और पुराणों और ग्रंथों के आधारित प्रसंगों को घटनाओं को इत्यादि पात्र को वो नृत्य के माध्यम से गाकर और नृत्य के माध्यम से अभिनय करते हुए बीच बीच में नृत्य करते थे उसमें वो बहुत ज्यादा दुपट्टे का इस्तेमाल करते थे जो आपको आज दुपट्टा लेना है ये दुपट्टा है आपके पास सब लोग के पास दुपट्टा है आज नहीं है तो आप लोग अपने अलग से सेपरेट लाने की जरूरत नहीं जो आपने पहना है उसी दुपट्टे को खोल लें खोले दुपट्टे को खोले नहीं है तो तुरंत दुपट्टा लेकर आए हमने कल भी आपको कहा था कि आप दुपट्टा लेकर आएंगे शाबाश वेरी गुड शैल वी स्टार्ट स्नेहा वेयर इज द दुपट्टा शो मी योर दुपट्टा गुड ग्रेट अमृता रजक शो मी योर दुपट्टा बेटा
शाबाश प्रांजलि चंदेल, आप उल्टी हो गए हो, सीधा हो जाओ। और आपका कैमरा हिलना नहीं चाहिए अदिति, आप जब आपके कैमरे हिलते हैं ना, मूव करते हैं, तो हम लोग डिस्टर्ब होते हैं, एक जगह लगा दीजिए उसे। ओके नाउ आप इसको ध्यान से देखें और हमारे साथ करें, क्योंकि ये कुछ एस्पेक्ट है, ये कुछ तरीके हैं जिसको अगर हम करते हैं तो हमें एक इंटरेस्ट पैदा होता है और हमें समझने की भी। और इसको आप देखिए कि किस तरीके से स्टोरी टेल किया था। आप स्टोरी टेलर का नाम आपने सुना होगा ना, कश्मीर में इसको किस्सा गोई कहते हैं। किस्सा यानी स्टोरी, गोई मतलब कहना, किस्सा कहने वाला। ये पहले बहुत प्रचलित था ये विधा। लोग जब मैं छोटी थी तो पहले तो टीवी वगैरह नहीं था, जब मैं बिल्कुल बच्ची थी, 6-7 साल की, 5 साल की, तो उस वक्त टीवी बिल्कुल नहीं था। तो हमें मीरा बहुत ज्यादा आप डिस्टर्ब हो रहे हैं और क्लास में बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस है, आप सीधा बैठे हिले नहीं ज्यादा, ध्यान से सुने। तो मैं जब बहुत छोटी थी एकदम, तो हमारे लिए एंटरटेनमेंट नहीं हुआ करते थे। और फिर हमें जो घर के बुजुर्ग होते थे, माँ या मासी, हम उनके पास जाते थे रात के वक्त, और छत पे सोते थे और छत भी तारे गिनते रहते थे, नींद नहीं आती थी, एक दो तीन चार घंटे गिनते सो जाते थे। और किस्सा किस्सा सुनने का बड़े ललक थी। हम अम्मी से बोलते थे कि अम्मी हमें ना, माँ जरा हमें कहानी सुनाओ, तो हर रोज वो एक कहानी सुनाती थी। और वो जब कहानी सुनाती थी तो हमारे जहन में वो कैरेक्टर्स अपने आप घोड़े दौड़ाने लगते थे, अपने आप हम उसको उसको हम कहते हैं, हम इमेजिनेशन करने लगते थे। और फिर राजा है तो राजा जैसा कुछ दिखा हमें, तो बड़ा बहुत इंटरेस्टिंग होता था। ये किस्सा हर बच्चों की जिंदगी में जुड़ा था। अभी इंटरनेट हो गया है, चीजें बदल गई हैं, सुंदर हो गए हैं, लोग अब वो किस्सा की इमेजिनेशन पे का एक अलग रूप है। बहरहाल वो किस्सा जो है, कहानियां कथावाचक स्टोरी टेलर हुआ करते थे, किस्सा सुनाते थे। एक्चुअली पुराणों की कहानियां सुनाते थे, उसको गाकर और नृत्य के माध्यम से सुनाते थे, ये उसका तरीका है। और इंटरेस्ट बनाने के लिए, इंटरेस्टिंग करने के लिए, उसको बहुत मनोरंजन और इम्पैक्ट करने के लिए वो दुपट्टे का बहुत उपयोग करते थे। दुपट्टे को आप सर पे ओढ़ लें, पट्टे को ओढ़ लिए, आप तो बड़ी सुंदर सब लग रहे हैं। अबे आप तो बहुत प्यारी लग रहे हो, ऐसी गुड़िया रानी। ये हो गया दुपट्टा। आपको क्या महसूस, अगर मैं ऐसे दुपट्टा रखूं, ये हाथ ऐसे रखें, इसको कहते हैं मयूरा, क्या कहते हैं मयूरा। अब राइट से लेफ्ट से कहीं से भी पकड़ ले, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब अगर मैं इसको दुपट्टे को छोड़ू, हाथ ऐसे रहेगा। अगर मैं दुपट्टे को पकड़ू, क्योंकि ये पकड़ने के लिए देखिए ध्यान से, हम इसको बीच में पकड़ते हैं, है ना, इसीलिए कथक में ये भंगिमा आती है। कथक का एक और तरीका आपने देखा होगा, राधा बनी हुई लड़की, कृष्ण सबको पता है ये कृष्ण है, ये राधा है, किसी को ये नहीं पता इसका मतलब क्या, बस मुद्रा है। तो आप इसको ध्यान से देखो और इसको घर में भी आप बच्चों को दिखाकर सिखाकर, ये हमने घूंघट खींचा और ये जो उंगली है, मयूरा जैसे हाथ बनाए, मयूरा जैसे हाथ बनाए। अब इसको इन दोनों उंगलियों को बीच में इसको बड़े को पकड़े, अच्छा, और फिर ये उंगली से यानी ये खींचा और फिर ये मोड़ा और ये मोड़। अब बगैर बगैर दुपट्टे के करो, ये हाथ ऐसे रखेंगे कंटिन्यूस, ये हाथ अंदर की तरफ, अब इसको घुमाओ, उंगलियों को घुमा, कलाइयों को घुमा और फिर
फिर से एक बार और। नौशीन बहुत अच्छा किया, शाबाश। फिर से एक बार करेंगे बेटा, एक दो तीन चार, इसके बाद इसको घुमाओ। ये ऐसे नहीं जाएगा नौशीन, यहाँ रखो बेटा पास में। घूंघट नहीं हो गया, एक लेसर लग रहा है जैसे कि आपने बहुत बड़ा घूंघटा पहन लिया, छोटा तो पहनो। अब हम दुपट्टे के साथ कोशिश करेंगे सेम मोमेंट, दोनों उंगलियों के बीच में ध्यान दीजिए, दोनों उंगलियों के बीच में खींचा। अब इसको घुमाएंगे कलाई को बाहर की तरफ, और ये अब झांकेंगे घूंघट के बीच में ऐसे करके झांकेंगे। हाँ शाबाश काव्या, तुम कहाँ झांक रही हो, तुमने उठाया तुमने ऐसे खोल दिया, ऐसे थोड़े करते हैं। अब झांक कर रही हो, अब तो दिखा रहे हो भूत की तरह, ऐसे नहीं करना। ये देखो ये उंगलियां हुई, इस उंगलियों के बीच में पकड़ा, देख रहे हैं ध्यान से, देखो ध्यान से देखो, ये उंगलियों के बीच में पकड़ा कैंची की तरह खींचा, इसको घुमाया। आपका चेहरा पट्टे के अंदर होना चाहिए, यूं करके झांकना तभी तो घूंघट है, ऐसे थोड़े होना चाहिए घूंघट, ठीक है। चलिए आप मुझे हाथ खड़ा करें, कौन दिखाएगा, नौशीन, तौशीन, तौशीन को पिन करें प्लीज, और उसके बाद जो और दूसरे कौन दिखाना चाहेगा, अच्छा मीरा नहीं, तौशीन के बाद नेत्रा और दीप्ति, ठीक है। अंजलि जी प्लीज जरा सा इनको करें, इनको पिन करें, तौशीन को पिन करें। जी मैम, तौशीन को ही पिन किया हुआ है मैम। हाँ तौशीन, हाँ स्टार्ट करेंगे फिर से, एक नहीं मैं गिनती बोल रही हूँ उसके हिसाब से, 1 2 3 4। दुपट्टा कहाँ है बेटे, बोलते रहो अपने आप, क्या आवाज ऑडियो ऑन करिए। तौशीन एक गड़बड़ है, आपने हाथ बहुत चौड़ा बनाया इसलिए दुपट्टा नीचे नहीं आता, आपको इतना बस छोटा रखना, हाँ स्पेस इतना रख, सारे बच्चों आपने बड़ा बनाया तो घूमेगा ही नहीं, इतना छोटा बनाना बस, इतनी एक एक बीतने की। अब खींचो, 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। हाथ नीचे तौशीन, ये हाथ नीचे, और 1 8 तक जाना, आप तीन ताल में कर रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। नाउ द नेक्स्ट गर्ल कौन दिखाएंगे प्लीज, वेरी गुड, कौन दिखाएगा, पहले मैंने बताया था नेत्रा, नेत्रा को कर दे प्लीज, नेत्रा आप करें और बोलते हुए करें काउंटिंग के साथ करें। हाँ दो बार, एक दो तीन चार, एक दो तीन चार। इतना बहुत बड़ा हाथ है, थोड़ा छोटा करें। ओके नाउ मेरे साथ एक बार और करें, मुझे पिन कर दें प्लीज, पोजीशन जो है इतना होना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं, इतना बड़ा कभी नहीं। ठीक है लास्ट टाइम कर रहे, एक दो, मेरे साथ काउंटिंग करते बोलेंगे, ले जाइए दुपट्टा सर से, एक दो तीन चार पांच सात आठ। नेत्रा कौन सा हाथ ऊपर है कौन सा हाथ नीचे, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा, आप किधर से खींच, इधर से खींच रहे हैं, तो ये इसको एक दो तीन चार पाँच छह सात, यहाँ नीचे आएगा ना, ये वाला हाथ नीचे रहेगा ना, ये हाथ इधर रहेगा, ये हाथ यहाँ रहेगा, ये जो ऐसे करके, हाँ शाबाश। तो ये कौन है, ये एक लड़की है यानी महिला लड़की, ठीक है ओके। अब हमने दुपट्टे को, बहुत सारे तरीके होते हैं, आप घूंघट के प्रकार देखिए, एक दो देखिए सर, एक दो तीन चार, मैंने बोला सिर्फ देखें, प्लीज देखिए, प्लीज देखिए, पहले देख लीजिए,
घूंघट का ये हो गया एक, घूंघट का ये हो गया एक, ये जो कथक में ये हाथ बनता है, घूंघट हो गया ये, उसे हाथ से ये पकड़ा, बाहर की तरफ तीसरा पकड़ा, घूंघट का ये पकड़ा हो गया ऊपर से नीचे, बस ऊपर देखना हो ऊपर की तरफ। और राजस्थान में बहुत जगहों पर गांव में जहाँ पे बहुत ज्यादा हवाएं चलती हैं और औरतें सर पे मटका लेके जाती हैं सारी, वो घूंघट को कहाँ कहाँ पर बार बार पकड़ेंगे, तो क्या करती है ना ये घूंघट को इसके अंदर, आपने देखा होगा नाक के अंदर पकड़ती, नाक में। तो ऐसे हर प्रांत हर स्टेट के घूंघट लेने का तरीका बहुत अलग है। ये तो वो हो गया जो हम दुपट्टे के साथ करते हैं। अब हम थोड़े से आपको दुपट्टे के साथ मूवमेंट सिखाएंगे, दुपट्टे के साथ आपके मूवमेंट्स बताएंगे। अगर हम अब ये दुपट्टा है, ध्यान से देखिए, अगर हम बच्चे को दिखा रहे हैं तो इस कथावाचक में दुपट्टे को भी इस तरीके से बच्चा बच्चा करके ऐसे मोड़ लो, छोटा हाथ रखना, जैसे कोई छोटा बेबी को पकड़ते हैं, तो ये हाथ ऐसे, राइट हैंड ऐसे, लेफ्ट हैंड ऐसे, राइट ऐसे, इसके लिए दुपट्टे को ऐसे रख दिया, तो ये दुपट्टा ये हो गया। ठीक है, ऐसे ही आप कैरेक्टर देखिए, दुपट्टा रखने के तरीके से ही हम अगर ऐसे करके रखें तो ये राजा को, राजा को देखा आपने ना हाथों के अंदर, ध्यान से, हाँ राजा की तरह ये दुपट्टा लेते हैं। और उसके बाद जैसे कि आप भक्ति काल है, भक्त भक्त पर्टिकुलर कैरेक्टर है, तो आपने दुपट्टा ऐसे भी ले लिया कथक के अंदर, ऐसे भी लेते हैं। और अभी भी पाकिस्तान में भी और पुराने स्टाइल में भी आप देखिएगा, जो सीनियर स्टूडेंट है वो ऐसे दुपट्टा लेने का भी तरीका हो, उसी दुपट्टे से हमने आंचल या वो पालना का दिखाया। ये कथावाचक मल्टीपल कैरेक्टर्स करते थे, कमर में बांध दिया तो बहुत शक्तिशाली का कुछ कैरेक्टर आ गया, महाभारत में जैसे बल युद्ध हो रहा है तो उस समय पहलवान को या सेनापति को, तो दुपट्टे के बांधने के तरीके को वो बताते रहते थे कि अब कृष्ण आए, अब राम आए, अब राम के लिए हमने मान लीजिए ऐसे दुपट्टा रखा, हमने ये करके किया, या कृष्ण के लिए रखा और फिर हमने ऐसे दुपट्टा से ना आम दर्शक दर्शक जो होते थे बहुत जल्दी आइडेंटिफाई कर लेते थे। आज आपने दुपट्टे के बारे में पढ़ा, इसको आपने घूंघट में जो आपने सीखा इसको घर में प्रैक्टिस करेंगे, पता ये मयूरा हस्त का एक बार और कर ले बाहर की तरफ, मयूरा हस्त का, मयूरा हस्त का, फिर ये एक एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ दुपट्टे के साथ, दुपट्टे को उंगलियों में पकड़े, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ, ठीक है। इस दुपट्टे का आप जरूर प्रयोग करें। नाउ टाइम इज द नेक्स्ट स्टेप, ताल तीन ताल, ताल तीन ताल में 16 मात्राएं होती हैं, मेरे साथ रिपीट करते जाएं क्योंकि एक एक का हम सुन नहीं पाएंगे। अब दुपट्टे को साइड में रख दीजिए, ये काम हो गया आपका। ताल तीन ताल 16 मात्राएं, ठीक है, चलो काउंटिंग करेंगे, एक दो तीन चार पांच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह, एक दो तीन चार पांच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह एक। इसमें कितनी ताली हुई,
तीन ताली और खाली एक खाली, ठीक है। मुझे कोई बच्चा बता सकता है कि एक बच्चा कोई हाथ खड़ा करके बताओ कि खाली कौन से मात्रा पे? प्रांजलि, प्रांजलि बताएंगी। एक सेकेंड मुझे समय दीजिए, मैं इनको पिन कीजिए प्रांजलि को प्लीज, और बताएंगी। Pranjali, we can wait till ma'am is back and then we can answer to her. वहां का दरवाजे दोनों बंद कर दो और ये तीनों और एसी ऑन कर दो। एसी ऑन कर दो, उधर का दरवाजा ऑन कर दो प्लीज, थैंक यू। बताए जी। हाँ बताइए। प्रांजलि काइंडली अनम्यूट योरसेल्फ। मीका बताएं। मैम नौ पे खाली। शाबाश। और सम कौन सी मात्रा पे आता है? वेरी गुड, क्लैप फॉर हर, वेरी गुड। सम कौन सी मात्रा पर है? पहली ताली कौन सी मात्रा पर है? हम बताएं, कोई भी बता दीजिए, आप किसी को भी प्रांजलि ऑन कर दीजिए, आप अपने हिसाब से नाम नाम बता दीजिए। मैम तीन पे ताली। पहली ताली कौन से मात्रा पर है? तीन। नेत्र। पहली ताली तीन पे कहाँ से आ गया? एक पर है। हाँ दूसरी ताली तीन पे, पांच पे, एक पे ताली, पांच पे ताली, नौ पे खाली, तेरह पे ताली। शाबाश, बोले मेरे साथ। एक पे ताली, पांच पे ताली, नौ पे खाली, तेरह पे ताली। मैडम इन सबको म्यूट कीजिए। नौ पे खाली जी मैम। एक पे ताली, साथ बोलेंगे मेरे साथ प्लीज। फाइव सिक्स सेवन एट। एक पे ताली, पांच पे ताली, नौ पे खाली, तेरह पे ताली। एक पे ताली, पांच पे ताली, नौ पे खाली, तेरह पे ताली। हाँ प्रैक्टिस करें, एक बार और करें प्लीज। बोले अपने आप करते रहे प्रैक्टिस। करे करे, ताल देते रहे। अब ताल तीन ताल का प्रैक्टिस करेंगे। मीरा आप कॉपी में क्या लिख रही हैं? आप पहले पहले डांस करें बेटा, कॉपी हटा दीजिए। शाबाश, आइए ताल तीन ताल बोलिए। एक दो तीन चार आठ पांच छह। उधर का दरवाजा। एक दो तीन चार आठ पांच छह सात आठ नौ ग्यारह बारह चौदह पंद्रह सोलह एक, ठीक है। ओके नाउ अब हम मूवमेंट, हम नृत्य शुरू करते हैं। हाँ अब हम नृत्य शुरू करते हैं, सब अलर्ट हैं, तत्कार करेंगे। सबसे पहले ता कौन से पैर से है बताएं? राइट पैर। आवाज बंद करें प्लीज, म्यूट करें। मैम लेफ्ट, मैम लेफ्ट, मैम लेफ्ट। प्रांजलि जी सबका स्पीकर ऑफ करें। हाँ राइट पैर है आपका, ये देखे मेरे ध्यान से।
राइट, ये राइट पैर है आपका, राइट। फिर से देखें ध्यान से, हाथों को ऐसे रखें, शर्मिष्ठा राइट, सोचिए कि राइट पैर मारा, राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट एंड राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट लेफ्ट राइट लेफ्ट एंड राइट। क्लियर? कैन वी स्टार्ट, शैल वी स्टार्ट नाउ? खड़े हो जाए, अपना कैमरा पैरों के सामने रखे ताकि मैं आपके पैरों को देख सकूं। मेरे साथ बोले
अंजलि जी मुझे तोशीन का पैर दिखाएं, पिन करें और मैं एक एक बच्चे का पैर देखूंगी ताकि मैं देख पाऊं कि बच्चों ने सही से सीखा है कि नहीं, फिर हम इसको आगे बढ़ेंगे। बेटे आप लोग देखिए तत्काल, आपका देखेंगे ज्यादा बच्चे, सबको तो नहीं देख पाएंगे। हाँ मैम, क्या आप मैम आप ऑडियो भी चाहते हैं? ऑडियो हाँ दे सकते हैं, वो खुद काउंटिंग करके करेगी। और क्या आप दो बच्चों को एक साथ फ्रेम में कर सकते, पिन कर सकते हैं? जी मैम, और किसको करूँ मैं? मैम और किसी को भी कर दीजिए, चार बच्चों को कर दीजिए। ओके मैम, ताकि उसमें क्या होगा कि सब बच्चे देख सकेंगे दूसरे का। दीप्ति को दे दीजिए, नेत्रा, दीप्ति, तोशीन और समृद्धि शुक्ला। ओके समृद्धि, दीप्ति, तोशीन और नेत्रा, पहले इन चार बच्चों को दे दीजिए। जी मैं काउंटिंग बोलूंगी। शाबाश, हाथ बांधेंगे पहले, चलिए स्टार्ट करेंगे। एक, दो, शाबाश, तीन, चार, पांच, छ, सात, आठ, डबल, एक, दो, तीन, चार, पांच, छ, सात, आठ, एक, दो, तीन, चार, पांच, छ, सात, आठ, एंड स्टॉप। एक्सीलेंट, वेरी नाइस, वेरी नाइस। आई एम सो ग्लैड, आई एम सो हैप्पी। थैंक यू गर्ल्स, यू आर डूइंग सच अ वंडरफुल वर्क। Now shall we start for with the other four? Pranjali, KK, Sarvika, Meera and Harvanit, four of them. I'm seeing four of them in one layer. Yeah, just a minute, ma'am. Yeah.
गर्ल्स ध्यान से करें, सबका नंबर आएगा। पैर के पास ले जाएं अपने कैमरे को प्लीज, पैर के पास ले जाएं। समृद्धि अपने पैर के पास कैमरा ले जाइए, शो मी योर फीट। समृद्धि योर फेस इज विजिबल, वी रिक्वेस्ट यू टू शो योर फीट। मैम कैन यू रिपीट द नेम ऑफ द फर्स्ट स्टूडेंट्स? हाथ नीचे करेंगे सब लोग, हाथ नीचे नीचे करिए, अभी मत करिए। अभी मुझे याद नहीं मैंने किसको बोला था, समृद्धि हो गई थी और सार्विका, सार्विका, मीरा और हरणवीर। मीरा, हरणवीर, सर्विका। आप किसी भी चार बच्चों को कर दे नाम लेके, अपने हिसाब से नाम बता दे जो आपको सही लगता हो, चार को करके फिर आप बोल दीजिए चार बच्चे खड़े। स्टार्ट करेंगे, मैं म्यूजिक दे रही हूँ। लहरा पैर भी, अभी रुकिए जब मैं स्टार्ट करूंगी। 5 6 7 स्टार्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8। प्रांजलि खड़े हो जाओ। 1 2 3 4 5 6 7 8 एक, आप ध्यान से नहीं सुन रहे मीरा, आप हाथ खड़ा कर देते पर आपको आ नहीं रहा कुछ भी, है ना? आपने ध्यान से नहीं सुना, नहीं आप मुझे अपना चेहरा ना दिखाएं। हम स्लो लय में जाएंगे और काउंटिंग जो है, ये बच्ची जो है सार्विका, सेंटर में अपना वेट रखे और पैर को एकदम घुटने को सीधा रखे, एकदम सीधा रखे, घुटने को एकदम सीधा रखे। हाँ, कीप योर दिस नी को अपना सीधा रखे। अब हम एक यानी राइट पैर मारेंगे, 1 लेफ्ट 2 फिर राइट 3 फिर 4 लेफ्ट 4 पैर भी बनाएंगे और वेट बिल्कुल सेंटर और नी को एकदम सीधा रखिएगा। मैं काउंटिंग बोल रही हूँ, 5 6 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 8 में कौन सा पैर है? के सर्विका, हाँ तो फिर आपने गड़बड़ किया। एक बार और करें सर्विका, 1 2 1 2 3 स्टार्ट। 1 2 3 सब बच्चे ध्यान से देखें, 4 5 6 7 8 डबल, 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8। मीरा मीरा पैर को छोड़ा, खोलिए मत, ऐसे फैलाइए मत, पैर को रिकलेक्ट कीजिए। अब वेट बिल्कुल सामने और पैरों को दोनों जोड़े आगे से, दोनों जोड़े बेटे सामने से, हाँ वेट सामने रखेंगे। नाउ द नेक्स्ट 4 प्रांजलि जी प्लीज आप देखें चार लड़की, क्योंकि ऐसे देखने से हमें समझ में आता है। जी मैम, समिष्ठा से, हाँ जी मैम, समिष्ठा, जागृति सरकार एंड हरवनीत इज डन, सलोनी वर्मा, ओके एंड सोनम, आ जाइए। इन कर दिया आपने? जी मैम। स्टार्ट करें बेटा, पैरों को एकदम सीधा रखेंगे
अब फैलाएंगे नहीं, वेट को बिल्कुल सेंटर और नी को यानी घुटने को एकदम सीधा। फाइव सिक्स सेवन स्टार्ट। एक, दो, तीन, चार, पांच, छह, सात, आठ, एक, दो, शाबाश, तीन, चार, पांच, छह, सात, आठ। एक बच्ची है जो अब बहुत अच्छा तो कर रही है, पर पैर को उसने सोनम, सोनम का पैर आगे से वी बनना है, खुलना है हल्का सा, आगे से वी बनाएंगे, खोलेंगे आगे से पैरों को खोल। हाँ ये देखिए, ये शेप है सोनम आपके पैर का, राइट। एच नहीं बनाना। और जागृति का पैर थोड़ा सा आगे से छोटा होगा, समेटेंगे पीछे से भी, समेटेंगी पीछे से भी, ज्वाइन करें हल्का सा, शाबाश, वेरी गुड। एंड दिस गर्ल सलोनी, क्या नाम है सलोनी, बहुत ज्यादा फैला हुआ है, पैर को पास रखें। आप अपने पैर को खुद देखें बेटे। नाउ द नेक्स्ट गर्ल, नेक्स्ट लास्ट जो भी है बच्चे, ओके मैम। अब बाकी जो लड़कियां बच गई हैं हाथ खड़ा करें। अनन्या, एनी, नंदनी, अनन्या एक मिनट होल्ड करें, अनन्या, एनी, अनन्या, एनी, अनन्या गुप्ता, अनन्या गर्ग और अदिति राज, चारों के चारों ए से हैं। इन चारों को करें पहले, अनन्या गर्ग, अनन्या गुप्ता, एनी, अदिति राज, उसके बाद दो को और ज्वाइन करवा दीजिए मैडम, नंदिनी और उबिका। नंदिनी और उबिका, इन छह बच्चों को कर दीजिए। अब बाकी जिन्होंने भी अपना ये मार्किंग किया है हाथ उठाने का, उसको डिलीट मारिए, उसको वापिस ले जाए, हटा दीजिए अपने स्क्रीन से, आपने जो हाथ लगाया हुआ है उसको हटा दे, रेस किया हुआ ना हैंड को, हैंड रेस हटा दीजिए सब लोग। चलिए ये छह बच्चों ने किया है, शाबाश। अब हम छह छह का लेंगे। प्रतीक वर्मा आपका कैमरा ऑन नहीं है, क्या है आप चप्पल पहन के बैठी, आप इस तरह से क्लास लेंगे क्या? ओके, नेक्स्ट क्लास में अगर मुझे अभी इसके बाद किसी का भी कैमरा बंद है तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी प्रांजलि जी से, प्लीज उनको रिमूव कीजिए विदाउट आस्किंग। शुरू करें क्या बेटा? शाबाश, शुरू करते हैं। मैं काउंटिंग दे रही हूँ, ध्यान रखिएगा पैर सीधा और आगे से छोटा पैर, खासकर अनन्या गुप्ता का। अनन्या गुप्ता भी राइट में खड़ी है, बिल्कुल सेंटर में लाएं अपना वेट और आगे से छोटा करें। अदिति राज, कैन यू कम लिटिल फॉरवर्ड, आप आगे आ जाएंगे थोड़ा सा, मुझे पैर आपका नहीं दिख रहा। और अदिति, आपने ये ट्राउजर क्यों पहना हुआ है? आपको तो बोला गया था कि आप सलवार कमीज पहनेंगे। बातचीत नहीं चाहिए मुझे, आज लास्ट है, इसके बाद से अगर कल पहले ड्रेस चेक होगा आप लोगों का, उसके बाद अगर आप प्रॉपर ड्रेस में नहीं होंगे तो हम आपको एंट्री नहीं दे पाएंगे। चलिए स्टार्ट करेंगे। फाइव सिक्स सेवन स्टार्ट। एक, दो, तीन, चार, पांच, छ, सात, आठ, राइट, लेफ्ट, राइट, लेफ्ट, लेफ्ट, राइट एंड टा। एक बार रुकेंगे, फिर से करेंगे। अनन्या गुप्ता, पैर को कलेक्ट कीजिए, जोड़े पैर को, दोनों जोड़े पैरों को अच्छे से आगे से छोटा करें।
आगे से और बंद करें। हाँ शाबाश, एक बार स्टार्ट करें बेटा। शैल वी स्टार्ट नाउ? 1 2 3 स्टार्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 प्रतीक वर्मा पैर को छोटा करें आगे से, एंड देन लास्ट जो बच्चे पर पड़ गए हैं वो हाथ हैंड को रेस करें प्लीज। जो बच्चे बच गए हैं वो हैंड को रेस करें। इनमें से 6 बच्चों को ले लें आप, 6 के 6 हैं, 7 हैं, 7ों को ले लीजिए। चंद्रकला जी, आई विल रिमूव द स्पॉटलाइट ऑफ द स्टूडेंट्स हु आर देयर, यू कैन ऐड देम, द न्यू स्टूडेंट्स यू कैन ऐड देम। I just remove the spotlight of those who. उमेश आफिया, उमेश आफिया, ओके। हाँ चलिए आइए स्टार्ट करें बेटे। शैल वी स्टार्ट गुड़िया? वेरी गुड गर्ल्स, आई एम सो हैप्पी टू सी यू ऑल हियर। चलिए पैर दिखाएं प्लीज, पैर के पास कैमरा ले जाएं। परिधि, योर फेस इज विजिबल, आई वांट टू सी योर फीट। अमृता रजक एंड कशिश, प्लीज कैमरे को ऐसी जगह रखिए जहां मैं आपके पैर को देख सकूं। काव्या आपका भी, खड़े हो जाएं, सब लोग खड़े हो जाएं, हम आपके पैर को देख रहे हैं। ओके अदिति, कोई बात नहीं, पैर पे आइए, पैर को कैमरे पे रखिए। मैं आपको पहले ही बोली थी कि सब लोग अपना कैमरा पहले से तैयार रखें, अभी तिहाई भी कराना है मुझे। अपने कैमरे को ऐसे रखेंगे आप? कशिश हाँ पीछे जाओ थोड़ा सा, स्टार्ट करेंगे। आगे से पैर छोटा करिए, स्टार्ट करें बेटा। उमी साफिया, उमी साफिया आगे से पैर छोटा करें। गुड़िया ने आप शक्ल ना दिखा, आप सिर्फ पैर को ठीक है, आप मेरा इंस्ट्रक्शन सुने। आगे से पैर को छोटा करें, कैमरा नीचे करें, आपका कैमरा ऊपर हो गया। चलिए स्टार्ट करेंगे। 5 6 5 6 7 स्टार्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8 1 राइट, 2 3 4 5 6 7 8 एक बार और, 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 प्रियंका ये क्या नाच रहे हो आप? पैर ही नहीं उठा रही आप, जमीन से उठाइए पूरा। प्रियंका, प्रियंका, प्रियंका गडगिल, पैर को उठाइए, पैर को उठाइए। आप इतने देर से क्लास देख रही हैं, आप पैर क्यों नहीं उठा रही हैं? पैर आगे से छोटा करें, ध्यान से करें क्लास। एक बार और करेंगे बेटा प्लीज। शाबाश, सब बहुत अच्छा नाच रहे हैं। काव्या थोड़ा सा आगे से समेट लो पैर को, बाकी बच्चे भी अब खड़े हो जाएं सब लोग। मैडम आप इनके पिन को हटाइएगा नहीं, बाकी बच्चों को खड़े करने दीजिए। बाकी बच्चे स्नेहा वगैरह सब लोग खड़े हो जाएं, पैरों के ऊपर कैमरा रखिए क्योंकि इसके बाद हम तिहाई करेंगे। मैम यू वांट दिस पिन्स टू बी रिमूव्ड? नो 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 नो, आई वांट टू सी देम अगेन। ओके ओके, बच्चों को करने दें। 5 तत्कार करेंगे। 5 6 7 स्टेट। 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5
सिक्स सेवन अमृता करो बेटा एंड स्टॉप, इनको रिमूव कीजिएगा, मुझे पिन कर दीजिए। अब हम तिहाई बोलेंगे, खड़े खड़े सब तिहाई बोलिए, पहले नहीं बैठना है किसी को, नो खड़े हो जाइए सब लोग, नो बडी विल सिट। हाँ बेटा डाल दीजिएगा, एक दो तीन चार पांच छ, एक दो तीन चार पांच छ, नहीं पैर नहीं मारेंगे, ताल ताल में देके बोलिएगा, वन टू थ्री फोर, राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट राइट, बोलिए राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट 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 लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट सम। मीरा व्हाई यू आर डूइंग, नो मीरा आप सिर्फ पहले पढ़न करें, अभी पैर नहीं चलेगा, वन टू थ्री फोर, एक दो तीन चार पांच छ, एक दो तीन चार पांच छ, एक दो तीन चार पांच सम, एनी यू कैन नॉट गो, यू कैन नॉट ऑफ योर कैमरा, इफ यू विल प्लीज लीव द क्लास। वन टू थ्री फोर, एक दो तीन चार पांच छ, एक दो तीन चार पांच छ, एक दो तीन चार पांच सम। कैमरा ऑन करें सब लोग जो जा चुके हैं क्लास से, ऑफ कर रखा है, यानी आप क्लास में बंद नहीं कर सकते कैमरा इन बिटवीन बगैर इजाजत के, ठीक है बेटा, शाबाश। एक बार और बोलेंगे तिहाई, फाइव सिक्स सेवन, बोलिए एक दो तीन चार पांच छ, एक दो तीन चार पांच छ, एक दो तीन चार पांच सम, शाबाश। अब हम पैरों से करेंगे, पैर से करेंगे, कैमरा पैर के पास ले जाएं सब बच्चे, मैं भी पैर कर रही हूं, आप मेरा पैर देखिए, पैर को देख देख के करें। वन टू थ्री फोर, एक मैं अपोजिट कर रही हूँ, राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट राइट, राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट राइट, राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट सम, बोलते हुए करेंगे मेरे साथ, हाथ को जोड़े सब लोग, संपुट की मुद्रा, हाथ को बांधे दोनों हाथों से जोड़े, ओके, फाइव सिक्स सेवन एट, राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट राइट, राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट राइट, राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट सम, एक बार फाइव सिक्स सेवन एट, राइट 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 लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट राइट, राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट सम, एक बार और फाइव सिक्स सेवन एट, राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट राइट, राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट राइट, राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट सम, हाँ दिखाएं सब लोग, मैं देख रही हूँ सबको, मैं पढ़ाई कर रही हूँ देख रही हूँ, फाइव सिक्स सेवन स्टार्ट, राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट राइट, एक दो तीन चार पांच छह, एक दो तीन चार पांच सम, बेटा राइट राइट होगा ना, ये बच्चे कौन कर रहे हैं उल्टे पैर से, राइट लेफ्ट राइट पैर मतलब राइट राइट मारेंगे ना, एक बार और बोलते हुए करेंगे, इसके बाद मैं अकेले अकेले देखूंगी तो ध्यान से, फाइव सिक्स सेवन स्टेप, राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट राइट, राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट राइट, राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट सम, एक बार और फाइव सिक्स सेवन एट, राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट राइट, राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट राइट, राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट सम, एक बार और फाइव सिक्स सेवन एट, राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट राइट,
राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट 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 लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट सम एक बार दिखाएं मुझे सब लोग पिन करने की जरूरत नहीं है ये देख सकते हैं वन टू हाथ ना उठाएं आप अपना मैसेज लिख दें चैट में अनन्या गुप्ता आप अपना मैसेज लिख दें चैट में क्लास का फ्लो चला जाएगा बच्चे फाइव सिक्स सेवन एट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट 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 लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट 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 लेफ्ट राइट सम हाँ शाबाश मीरा ने बहुत अच्छा किया पैर पास रखी बुढ़िया एक बार और कर लास्ट टाइम फाइव सिक्स इसके बाद मैं किसी से भी पूछ सकती हूँ अकेले सिंगल सोलो तो ध्यान रखें फाइव सिक्स सेवन सेट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट 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 लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट 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 लेफ्ट राइट सम ठीक है अब हम मूवमेंट की प्रैक्टिस करेंगे यानी हस्तक हस्तक के लिए हम कौन सा मुद्रा प्रयोग करते हैं अराल क्या करते हैं बैठेगा कोई नहीं आज कोई बैठेगा नहीं खड़े रहेंगे ठीक है अराल है हाथ ऐसे है अब आप लोग अपना कैमरा ऐसे दिखाएं पैर नहीं चाहिए मुझे अब आपकी बॉडी चाहिए तो सामने सामने दिखाएं अपर बॉडी कैमरे को फिक्स कीजिए आज तो बच्चे बहुत ज्यादा है क्लास में चले स्टार्ट करें इसको कहते हैं अराल आप मुझे देखें और ये रहा आपका हाथ रखने का तरीका कंधा छोड़ के और अब मैं लहरा दूंगी लहरे के ऊपर हम मूवमेंट्स करेंगे ध्यान से पहले मुझे देख लीजिए एक साथ देखते रहे दूर से बैठिएगा कोई नहीं सामने देखते रहे जितने भी मैं विजिबल हो सकूं एक बार ऊपर जा रहे हैं मेरे साथ करें सारे बच्चे ऐसे ही बगैर म्यूजिक के ये गए एक बार दोबारा दूसरा तीसरा पीछे चौथा बैक काउंटिंग के अंदर ठीक है पांचवा छह सात नेक्स्ट एक दो तीन एक दो तीन एक दो तीन एक दो तीन इसके पहले इसके बाद हमने ये वाला मूवमेंट भी करना था मैं भूल गई प्राण था एक दो तीन तो हमने इतने मूवमेंट कराए थे और आज मैंने वादा किया था कि आपको मैं चक्कर कराऊंगी है ना पहले हम इस मूवमेंट को कर ले हाँ चक्कर के लिए जब हम तत्कार करेंगे तो तत्कार जब आपने तत्कार किया उसके लेयर्स होते हैं लेयर्स के बाद आपने तिहाई खत्म कर दी ऐसे ही जब हम तत्कार चक्कर का प्रैक्टिस करते तो जो तत्कार कर रहे हैं ना आप लोग एक दो तीन चार पाँच छह सात आठ तो आठ का चक्कर होता है फिर पांच पांच के बीट का चक्कर होता है तीन होता है दो होता है एक होता है तो आसानी के लिए मैं आपको पांच का दिखाऊंगी और आठ का सिर्फ आप पैर करके करेंगे और हाथ में आपको चक्कर का एक बताऊंगी ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो आपकी तरफ से आप लोग तैयार है ना बेटे आप सब तैयार है ना इन्हीं का जाओ पीछे जाओ आ जाओ मैं लहरा बजा रही Thank you.
आइए, एक दो तीन चार पांच, आप लोग मन में काउंटिंग करेंगे, आठ का चार पांच, जो लहरा बज रहा है उसको ध्यान से सुने, मन में काउंटिंग करें, दूसरा एक दो तीन चार छ सात आठ, हर मोमेंट पीछे की तरफ झुकेंगे, बैक की तरफ जाएंगे, एक चार, हाथों में थोड़ा जान रखिएगा, टाइट रखिएगा कलाइयों को, इसी से शेप बनता है, एक दो तीन चार पांच छह सात आठ, एक दो तीन चार पांच छह सात, नेक्स्ट ऊपर पीछे, दो पांच छह सात आठ, एक पांच छह सात, नेक्स्ट एक क्रॉस करेंगे, तीन ज्वाइन, पांच छह सात आठ, एक क्रॉस करते हुए हाथ को ज्वाइन करेंगे, दो तीन बार करें, नेक्स्ट एक दो तीन, एक दो तीन, एक दो तीन, एक दो तीन, आप मुझे दो तीन लड़कियों को, चार लड़कियों को पिन कर दें प्लीज, तौशीन है, नेत्रा है, दीप्ति है और एक और लड़की, मुझे भी रहने दे उसमें, एक दो एक दो तीन, 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 पीछे एक दो चार, पीछे जा रहे छह सात आठ, लेफ्ट सात आठ, एक ऊपर की तरफ है बेटा, ऊपर की तरफ है हाथ, देखो ध्यान से, देखो दे रहे आप, देखो तो ऊपर की तरफ हाथ है, ऊपर की तरफ हाथ है, सर के ऊपर, ये ऊपर की तरफ हाथ है, हाँ स्टॉप, अब आप लोग अपने कैमरा जो है पैरों के पास ले जाइए, मैं चक्कर करवा रही हूँ, पांच का पैर, पिन को हटा दें प्लीज,
आइए आइए पैर देखे तत्काल करते हैं ना, एक दो तीन चार पांच छ सात आठ, तो इसी को चक्कर को तत्काल को हम घूम के करेंगे। पांच एक दो तीन चार पांच सात आठ, समझ गए, यानी तत्काल जो आप कर रहे हो उसको हम घूम के करेंगे। आप ध्यान से देखिए, एक दो चार पाँच छ सात आठ, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ, एक दो तीन चार पाँच छ सात एंड आठ, बना। अब इसी को घूम के करें, इसी को चक्कर का पैर देते हैं। पहले हम पैर पे काम करेंगे, मूवमेंट बाद में करें, राइट। फाइव सिक्स सेवन एट, एक दो सात आठ, एक दो तीन सात आठ, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ, एक दो चार छ सात आठ, हुआ आठ का पैर। अब हम दूसरा करेंगे पांच का पैर, अब तो हमने पांच किया ना, एक दो तीन चार पांच किया ना, करिए एक दो तीन चार पाँच, बोलते हुए करिए, एक दो पांच 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 बापू जी पीट करके दिखा दे प्लीज, सात सात आठ आठ लोगों का, एक साथ नौ लोगों का, ताकि मैं समझ सकूं कि बच्चे पाएंगे नहीं। सारे बच्चे कैमरे को पैर के पास रखे ताकि मैं देख पाऊँ पैर सही चल रहा है, इनके बच्ची कैसे खड़ी है, कपड़े भी उन्होंने इंडियन नहीं पहने ये कहने के बावजूद भी। आप अपने क्लास से आप जा सकते हैं और अपने कपड़े ठीक पहन के आए, उसके बाद ही क्लास में ज्वाइन करें। आप क्लास में जब ही आए जब आप अपने कपड़े चेंज करके आएंगे, जाए आप क्लास से, जिन्होंने जीन्स पहन के आए हैं वो प्लीज अभी अभी जाए क्लास में से और कपड़े चेंज करके आए क्लास में। आई विल नॉट अलाउ एनी क्लास में बच्चों को इस तरह से क्लास कराना, मैं किसी को भी अलाउ नहीं करूंगी। इन स्पाइट ऑफ गिविंग सो मेनी करेक्शंस एंड डायरेक्शंस अबाउट द ड्रेस अप, Still girls are wearing western dresses. जो बच्चों ने इंडियन ड्रेस पहना है आप उसी के साथ कंटिन्यू करेंगे क्लास, और जो बच्चों ने नहीं पहना है वो ड्रेस चेंज करके आए अपना कैमरा ऑफ करके। इट विल हार्डली टेक टू टू थ्री मिनट्स।
Ananya Gupta, go and change your dress. Ananya Garg also. I will not allow any girls like this. Go and change your Indian dress. Go and wear your Indian dress. Sonam, are you all, you too? Aap badle kapde? Now, I'm seeing many girls here was wearing Indian dress. So, we shall continue with them. Right? Those who are wearing Indian dress remain in the class. Sanchi, what dress you are wearing? Go and change your dress. Priyanka Gadgil, go and change your dress. Tanya, मैं आपको सबको बोल रही हूँ इंडियन ड्रेस पहन कर आए, आप तब भी खड़ी हुई है बेटे, ऊपर का कमीज बदल के आए, चाहे नहीं टी शर्ट नहीं चलेगा, नो टी शर्ट, सम डेकोरम बेटा, सारे बच्चे इंडियन ड्रेस पे आए हैं, आप जाइए बदल के आइए जल्दी से, शाबाश, इट विल टेक ओनली वन और टू मिनट, शाबाश, चलो अब हम चलते हैं, पांच का पैर दिखाएंगे सब बच्चे, फाइव सिक्स सेवन एट, एक दो तीन चार पांच, घूम के पांच, एक दो तीन चार 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 पांच, इन्हीं का जेन व्हाट आर यू डूइंग, हाँ बेटा पीछे जाए सब लोग, वन टू थ्री स्टार्ट, एक दो तीन चार पांच, 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 शाबाश, वेरी गुड, हाथ रेज करे जो दिखाना चाहेगा 100%, कौन दिखाना चाहेगा, हाँ प्रांजलि चंदेल, चलिए आप दिखाओ, इशिका यादव ऑल्सो, ओके गर्ल्स दिखाएं प्लीज, वन टू थ्री स्टार्ट, एक दो तीन चार पांच, एक दो तीन चार पांच, एक दो तीन चार पांच, शाबाश, सब खड़े हो जाएं, सब खड़े हो जाएं, अब मैं आपको पांच के पैर का चक्कर के हस्तक बताऊंगी, किस तरीके से हाथ खोलेंगे और किस तरीके से हाथ बंद करेंगे, इसका ध्यान इस तरीके से रखना है जैसे हम फैन चलाते हैं ना, तो फैन के जो पंखे होते हैं वो स्ट्रेट रहते रहते हैं ना, जब पंखा घूमता है तो उसके फैंस के जो विंग्स है वो स्ट्रेट रहते हैं, अगर उनके विंग्स में पंखुड़ी में टेढ़े मड़ा पना जाते तो आवाज करती है, हवा नहीं देती है, ये एक लॉजिक है, मैं आपको एग्जांपल इसलिए दे रही हूँ कि हाथ का जो संबंध है इसका आशय ये है कि हाथ के हाथ को जब आप खोलें और बंद करें तो कोहनी एकदम सीधी होनी चाहिए, जो आप इसको सीख लेते हैं तो फिर तेज गति में चक्कर करना आसान हो जाता है, ठीक है, अब मैं आपको हाथ बता दी, जो बच्चे इंडियन ड्रेस पहन के आ गए हैं वो ज्वाइन कर ले क्लास, और कल से अगर आपने ड्रेस नहीं पहना है हम क्लास नहीं लेंगे आपका, हम दो दिन से हमने आप लोग को समय दिया था, थोड़ा कुछ बच्चे आज नए भी आए हैं तो इसलिए शायद उनको याद नहीं रहा, आइए क्लीन कर दे मैडम, जी मैम, मैम सिर्फ आप ही को करना है या स्टूडेंट्स को रहने देना है, पहले कर दीजिए अच्छा लगेगा, हाथ बंद करेंगे और अपने लेफ्ट साइड में घूमेंगे, मैं ना मिरर इमेज करती हूँ, उल्टा करती हूँ, लेफ्ट साइड घूमेंगे,
जैसे मैं घूम रही हूँ, घूमिए घूमिए प्लीज, लेफ्ट में घूमी हूँ, आपका लेफ्ट कौन किस तरफ है, इधर कहाँ है लेफ्ट, इधर है लेफ्ट, उलट जाओ, हाँ ऐसे, एक दो, तो मैं हाथ खोलेंगे, एक दो तीन में फटेंगे, पीछे वाला जो हाथ है ना थोड़ा आगे बाहर निकाले, पीछे से आगे, पीछे वाला हाथ जो है आगे निकाले, पीछे का हाथ हमें दिख नहीं रहा, हाँ और ऊपर करें, और ऊपर करें, तीन चार पांच हाथ जोड़ लीजिए, किसी को ऐसे समेट दिया है ना, हाँ एक दो, एक दो, ये अराल है यानी उत्पत्ति की मुद्रा, एक दो घुमाएंगे, तीन चार पांच ऐसे करेंगे, पैर के साथ खड़े खड़े करेंगे, ना नहीं पैरों के साथ कोऑर्डिनेट करेंगे, थ्री स्टार, एक दो तीन चार पांच, पैर के साथ कोशिश करें, पांच का पैर राइट लेफ्ट राइट, ठीक है सर, दो तीन चार पांच, एक दो तीन चार पांच, फिर से एक दो तीन चार पांच, 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 ठीक है। अब हम घूम के करेंगे, तीन चार पांच में ना हम घूम जाएंगे, ध्यान से बोले मुझे देखेंगे, सब लोग देखेंगे करेंगे कोई नहीं, एक दो चार पांच, एक दो चार पांच, एक दो, पैर वही रहेगा, स्टार्ट करिए, फाइव सिक्स सेवन एट, एक दो पांच। जी आप बच्चों को चेंज भी करते रहिए, इस बच्ची को हटा दीजिए ईशिका यादव को, क्योंकि ये समझ नहीं पा रही है, ध्यान नहीं दे पा रही, मैं लेफ्ट में जब सारे बच्चे लेफ्ट में खड़े हैं उसके बावजूद भी वो नहीं खड़ी है, आपने बच्चों को चेंज करते जाइए ताकि सबको मैं देख सकूं, अपने आप चेंज करते, आप फ्री हो कैसे भी ऐड कर, जैसे तौशीन है और ये हाइन सबको धीरे धीरे हटाते जाइए, स्टार्ट करेंगे, फाइव सिक्स लेफ्ट साइड घूमेंगे, प्रियंका चंदेल प्रियांजलि चंदेल लेफ्ट साइड में खड़े हो, लेफ्ट साइड उलटिए, हाँ मैं मिरर इमेज कर रही, स्टार्ट, एक दो घूमेंगे, तीन चार पांच, एक दो तीन चार पांच, एक दो चार पांच, एक दो तीन चार पांच, एक चार पांच, एक दो चार पांच, एक दो तीन चार पांच, एक दो तीन चार पांच, चलिए अब एक मिनट का मैं ब्रेक देती हूँ, पानी पी के आ जाए आप, मैं यही हूं, मैं नहीं जा रही थी, इनको पानी पीना पीकर आ जाए, meanwhile for those who have joined us on YouTube, I would like to tell you more about SpeakMake. SpeakMake is the Society for Promotion of Indian Classical Music and Culture amongst youth. And by volunteering with SpeakMake, I take this opportunity to introduce you to the organization that SpeakMake is. As volunteers, we join in and the idea behind
the idea behind Speak Makhe is that it's to promote the heritage that we have, the culture that we have, the legacy of music, culture, and it is taken to students, young students, when they are familiarized with the various the art forms that we have, with the various music forms that we have, be it classical music, be it folk music, be it classical art, be it folk art, and students from a young age are familiarized as such that they're not only introduced, but with workshops like these, they also have an opportunity to experience it firsthand, the legacy of yoga, of art, craft, and even after one grows up, you know, they can stay connected to the various cultural aspects that we have in the hustle and bustle of our daily life. It keeps us connected to something beyond, which is at par with spirituality, which is at par with soaring higher and reaching higher. So thank you for joining us on YouTube, the ones who have joined us on YouTube. जी हाय, प्लीज ज्वाइन करें। शाबाश। सब ज्वाइन करें प्लीज। मैं बहुत खुश हूँ कि काफी बच्चे जो है रिपीट हो रहे हैं, और फर्स्ट डे में जो बच्चे आए थे आज भी वो बच्चे हैं, एक दो शायद नहीं है सिर्फ, बाकी हर रोज बच्चे कुछ तो जुड़ रहे हैं, पर काफी तादाद से बच्चे कंटिन्यूशन में है। इसका अर्थ ये होता है कि आप इस वर्कशॉप को बहुत संजीदी तरीके से, बहुत सीरियस तरीके से ले रहे हैं। एंड आई एम ट्राइंग माय बेस्ट टू कन्वे एंड टीच यू, ऑल्दो यू नो माध्यम जो है वो थोड़ा मुश्किल तो है हमारे लिए भी, आपके लिए तो बहुत ही है, हमारे लिए भी है, बट फिर भी आपका स्नेह और आपका प्रेम और आपका डेडिकेशन से मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। मैं बहुत खुश इसलिए भी हूँ कि आज के जमाने में जहाँ इतना हालात खराब है, डिजिटलाइजेशन हो रहा है, उसके बावजूद भी आप काफी नंबर के लोगों के नंबर्स में आप लोग जुड़े हैं, तो मैं बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ स्पीक मैके और तमाम कोऑर्डिनेटर्स को और सारे टीचर्स को, जिनके वजह से और स्पेशली पेरेंट्स को जिन्होंने अपने बच्चों को इनकरेज किया और ये एहसास किया कि इस समय में आप घर बैठे भी शिक्षा प्राप्त कर सकें, ये बहुत एक अच्छी बात है। मैं अभी 10-15 मिनट का सेशन देना चाहूंगी बातचीत का, आप लोग थोड़ा बैठ जाएं, कि आप 1.5 घंटे से नाच रहे हैं कंटिन्यूसली, सो नाउ यू नीड लिटिल बिट ब्रेक, बातचीत कर सकते हैं। इनमें से कौन से बच्चे ऐसे हैं जो
जब आप बात मुझसे करें उसके बाद जब आप ऑफलाइन हो जाए तो अपने कैमरे को यानी अपने ऑडियो को बंद कर दीजिए, ध्यान रखिए। और जिनके बहुत ज्यादा अब जैसे साक्षी है बहुत ज्यादा मूव कर रही है और पूरी क्लास डिस्टर्ब हो रही है हमारी, तो अपने कैमरे को एक जगह रखें क्योंकि बहुत ज्यादा मूवमेंट होने से हम डिस्टर्ब हो जाते हैं। थैंक यू साक्षी। ओके नाउ आप मुझे बताएं कि आपको वर्कशॉप कैसा लगा और आप इससे क्या सीख रहे हैं और आगे आप इस आर्ट फॉर्म को क्या आप इस क्लास से या बातचीत से कुछ इंस्पायर हुए? कौन जवाब देगा? रेज योर हैंड एंड देन स्पीक। मैं फिर से बात करती हूँ, क्या आपको ये क्लास, ये मार्किंग मत करिए, कशिश आपका कैमरा हॉरिजेंटल कीजिए, स्क्रीन को हॉरिजेंटल कीजिए, एनी सब लोग, एक बात आप समझ लें, हाथ नीचे करें प्लीज, सारे बच्चे समझ लें, हम कोई चीज को भी पाने के लिए एक नियम होता है, अगर हम वो नियम को फॉलो नहीं करेंगे तो उसकी कोई वैल्यू नहीं। कशिश आपका कैमरा बहुत हिल रहा है, प्लीज स्टे कीजिए, स्टेबल रहे। आप एक जगह क्यों नहीं रख देती कैमरा? कशिश एनी प्लीज प्लेस योर कैमरा, प्लीज प्लेस योर कैमरा लाइक दिस एंड जस्ट प्लेस इट प्रॉपरली, यू नो एक जगह रख दे, कैमरे पे भी लगा के रख दे क्योंकि डिस्टर्ब होते हैं हम लोग। आप 3 दिन से क्लास कर रही हैं, आपको भी नहीं समझ में आया कहाँ रखना है कैमरा? मैं सवाल पूछना चाहूंगी प्रिया, एक तो प्रियांजलि चंदेल आप भी बहुत परेशान हैं, एक जगह भी आप कैमरा नहीं रखते, एकदम स्थिर हो जाए, एकदम स्थिर हो जाए। इशिका यादव प्लीज बी सीटेड, अनाया गर्ल प्लीज बी सीटेड, अदिति प्लीज बी सीटेड, प्लीज बी सीटेड एंड बी सीटेड एज सच दैट यू डोंट हैव टू कीप मूविंग। ओके मीरा प्लीज बैठ जाए और डोंट कीप मूविंग, है ना? मैम क्या कह रहे हैं कि मैम को बात करनी है, अब थोड़ी देर के लिए शांति से बैठ जाए, ठीक है? अच्छा मैं चाहूंगी तोशीन आप अपने बारे में और इस वर्कशॉप के बारे में बात करें और बताएं और आपको क्या सही लगा, आपने क्या सीखा और आप क्या सीखते हैं और उसको थोड़ा सा क्या कैरी करेंगे, जो स्पीक मेकिंग का मोटो है इंस्पायर करना और इस आर्ट फॉर्म को। देखिए 5 दिन में तो कोई भी नहीं सिखा पाएगा, अभी भी हमारा जीवन विद्या अभी सीख ही रहे हैं, 5 दिन में ये नहीं होता कि हम जबरदस्ती आपको सिखाए। सामने देखेंगे मीरा, मीरा अगर आप क्लास नहीं करना चाहती और नहीं सुनना चाहती आप जा सकती है क्लास, मैं यहाँ बात कर रही हूँ और आप कॉपी में लिखो। अगर आप इतनी सीरियस नहीं है, कोई भी बच्चा अगर मेरे उससे बात करने का नहीं है तो वो जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, हमारे लिए एक ही बच्चा काफी है जो तरीके से सीख सके। सफिया आप अपने कैमरे को बिल्कुल एक जगह रखें, हिलाए नहीं। ओके तोशीन आप थोड़ा सा अपने एक्सपीरियंस को शेयर करें प्लीज। प्रियांजलि जी हाँ इनके इनके कैमरे को इनके ऑडियो को ऑन कर दें जी। नमस्कार मैम, मैं खुद इस टाइम पे 1 साल से स्पिकमेकी के साथ एज अ वॉलंटियर भी काम कर रही हूँ, बिकॉज आई गेस कि आजकल क्लासिकल आर्ट फॉर्म्स को इतनी इम्पोर्टेंस जैसे स्पिकमेकी कर रहा है तो वो बहुत एक अच्छी चीज है। एंड आजकल जैसे घर पे ही बैठे हैं कुछ एज सच मन ही नहीं लग रहा किसी काम में, तो ये वर्कशॉप के थ्रू आई गेस वो रूटीन थोड़ी चेंज हुई और काफी अच्छा लग रहा है आपसे सीखने में लाइव और आपसे बातचीत करने में, आपके एक्सपीरियंसेस सुन के भी मतलब बहुत अच्छा लग रहा है और इतने अच्छे अच्छे डांसर्स हैं यहाँ पे छोटे छोटे, उनको भी देख के काफी अच्छा लग रहा है क्योंकि
आजकल तो काफी देर हो गई है। जवाब दे रहे हो प्रियांजलि जी, आप इनको पिन कर सकते हैं, अभी बातचीत कर रहे हैं तो पिन करते जाएं। मैं चाह रही थी, बहुत अच्छा लगा मुझे भी आपसे, आप लोगों के साथ काम करना, और आप क्या सजेशन, आपको क्या अच्छा लगा और क्या नहीं समझ में आ रहा। सार्विका और हरनीत कौर को आप कर दें, हरनिका और के सार्विका और अरविनीत कौर। गुड मॉर्निंग मैम, I always I am very interested in dancing ma'am, and I always wanted to learn Kathak ma'am. So my music teacher had given the link of the Spikmake Kathak workshop ma'am, and I was very excited for this, that the moment ma'am gave the link, I had registered it ma'am. And the first day, are you music lover or are you learning music? Yes, ma'am. You're from South, right? Yes, ma'am. You're from South? Yes, ma'am. From where? Kodu, ma'am. Karnataka. Karnataka. Okay. So have you learned Kathak before or seen any dance performance? No, ma'am. I have seen seen some videos, ma'am, of Kathak. Yeah. So I really loved it. So I wanted to learn this, ma'am. So can you name any one or two dancers, Kathak dancers, also any other style dancer? Apart from Bharatanatyam, Odissi, any dancers? Can you name any famous dancer or guru? Kathak dancers, ma'am. Dancers, Kathak and other dancers too. You're from Karnataka. Mama, I have seen a Pandit Birju Maharaj, ma'am. Where you have seen his sons? He's my teacher, my guru. Yeah, okay, ma'am. I have seen on YouTube, ma'am. Now, Arneet. Okay, very good. Good morning, ma'am. Ma'am, actually, pin kar dijiye, do teen logo ko pin kar dijiye, jinka bhi aap kick sakte ho. Priyanjal ji, aap please do teen logo, haan, aap bataye. But aap apni experience, you are from. Excuse me, ma'am. Aap yes, me nahi bol sakte hain. Madam, please inko band kare. Yes ma'am. Ma'am, when I was in first or second, तो हमारे स्कूल में annual functions होते थे, उस उनमें classical dance भी perform करते थे, तो कहीं ना कहीं मेरा जो interest है classical dance में, वहाँ से शुरू हुआ। फिर जब हम बड़े हुए तो obviously we are in Punjab, तो ज़्यादा interest जो है वो गिद्दा और पंगड़ा में चले गया, वो हम करने लगे। और फिर लेकिन कहीं ना कहीं अंदर एक इंटेंशन थी कि कथक सीखना है, तो स्पिकमके की इस सीरीज से वो जो हमारी एक सपना था कि कुछ तो सीखना है, कथक का बेसिक सीखने हैं, वो पूरा हो रहा है, काफी अच्छा लग रहा है। आप इस वर्कशॉप के बाद अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है तो आप क्या इसको कंटिन्यू करेंगे? यस मैम। आप कहाँ से, जलंधर या पटियाला? मैम जलंधर। जलंधर में तो टीचर्स होंगे काफी लोग मैम, लेकिन मैम कभी ट्राई नहीं किया क्योंकि टाइम ही नहीं मिलता स्टडीज से, लेकिन अब क्योंकि स्कूल वालों ने हमें प्रमोट किया है ये स्पिकमेके का, तो उन्होंने हमारी जो स्टडीज है उनको थोड़ा सा शिफ्ट किया है कि आप बाद में क्लासेस लगा सकते हो, इसीलिए अब टाइम मिला तो हमने कहा कि मौका छोड़ना नहीं चाहिए, मस्ट ट्राई इट। वेरी गुड, वेरी गुड, आई रियली वेलकम यू। And I'm really happy to see your dedication here, because you're showing very serious, and your attitude towards the workshop and class is very sincere. Hai. So you are also one of the sincere students in this workshop. Thank you, ma'am. I'm really happy to have you with me. Okay, Netra, please share your things with me. Hi,
हाँ मैम, तो मैं ये सपना तो मुझे बहुत पहले से था ही और सपना था। हाँ मैम, मुझे मेरा नाम सपना नहीं है। सीखना में बहुत मुझे मैम तो मुझे सेवन स्टैंडर्ड से अभी मैं नहीं सेवन स्टैंडर्ड से कुछ सिक्स स्टैंडर्ड से मेरा सपना मतलब मैं सिक्स फिफ्थ मैं होती थी तब मैं भरतनाट्यम जाती थी। तब मैं मैम को देखती थी उधर वो कथक करती थी तो मैं देख रही थी एक दिन ये कथक है ठीक है कथक है बहुत अच्छा है एक्सप्रेशन अच्छे हैं बहुत ही अच्छा है मुझे तो एक दिन ट्राई करना। तो मैंने मैम से पूछा मैम मैं क्या ट्राई कर सकती हूँ तुम भरतनाट्यम से हो ना उधर जाओ ठीक है मैम मैं जाती हूँ। तो उस दिन से मुझे इंटरेस्ट हो गया हाँ मुझे एक दिन कथक सीखना है मुझे देखना है क्या है इसमें क्या क्या ताल है वो ताल में बोलती थी ताल तीन ताल क्या है ये मुझे सीखना है। तो आज मुझे मौका मिला है मैं उसे आई डोंट वांट टू लेट इट गो आई वांट टू टेक इट। व्हाट काइंड ऑफ डिफरेंस यू ब्रॉट इन थ्रू द वर्कशॉप टू अंडरस्टैंड द टोटल जो एक कॉन्सेप्ट है कथक का उसमें क्या नई चीज आपको वैसे तो बेसिक्स काफी चीजें सिमिलर होती है हर आर्ट फॉर्म की परफॉर्मिंग आर्ट खासकर क्लासिकल डांस की बेसिक सोल बट आपको इसमें क्या एक कोई चीज नई दिखी जो इंटरेस्टिंग लगी आप वो शेयर करना चाहेंगे बाकी डांसरों से। हाँ श्योर मैम मुझे ये बहुत अच्छा लगा कि वो आपने जो मुझे उसमें बहुत अच्छा लगता कि आप जब घूम रहे थे ना तो मुझे वो स्टेप बहुत अच्छा लगता था तब से आज तक मुझे अभी भी अच्छा लगता है क्योंकि वो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग फील होता है। जब मैं डांस शोज देख रही थी कथक का वीडियो में तब मुझे देख रहा था वाओ ये कितना सुपर्ब है मुझे भी ट्राई करना है। जब मैं ट्राई करती हूँ तो गिर जाती हूँ तो नहीं आता तो आई थॉट लेट मी ट्राई वंस लेट मी गिव इट अ राउंड। सो मैंने मुझे बहुत अच्छा लगा कि वो राउंड वाला और आपसे मुझे मिलकर बहुत अच्छा लगा। कल मैंने गूगल सर्च किया आप पर आप तो बहुत ही फेमस हो मुझे बहुत आई शुड फील ग्रेटफुल दैट आई एम लर्निंग फ्रॉम यू। फेमस नहीं होती तब नहीं सीखती। नहीं मैम तभी सीखती मैम तब भी सीखती क्योंकि आप बहुत अच्छी टीचर हो। मैं उनसे बोल रही हूँ मुझे आपके क्लास में ज्वाइन करना ये बहुत अच्छी टीचर है प्लीज। तो मैं बोल रही ठीक है देख लेते आज आपको चक्कर में दो मैंने पांच का सिखाया और अब आपको एक स्टैम्प करके एक पैर का भी सिखाएंगे थोड़ी देर में। पैर का जब आपने देखा ना डांसर्स ऐसे ऐसे करके चक्कर लेते हैं फास्ट देखा है ज्यादातर बच्चों में जब वो कथक के लिए आते हैं तो उनके दिमाग में वही भरा रहता है कि किस तरीके से फ्लाई करें आसमान में आसमान को छुए और दूसरा उनको धबड़ 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 पैरों को मारना है और कुछ भी नाचना है वो बहुत एक एंजॉयमेंट है। मैं भी ऐसे हूँ मतलब डोर क्लोज कर रखती हूँ मेरे के सामने कुछ भी नाच लेती हूँ कुछ भी मन चाहे मैं वो नाच लेती हूँ। ऐसा नाचना भी चाहिए बिकॉज जो डांस है उसका जो भाव है वो आनंद की प्रकाशता को प्रदर्शित करने के जो माध्यम है वो नृत्य है। जब आप बहुत खुश होते हैं बहुत ज्यादा खुश होते हैं तो आप करते ओए ओए ऐसे से वो नेचुरली आपका आपका जो है वो चीज जो है वो बन जाता है ना। चलिए अब आप मुझे समृद्धि शुक्ला आप बताएं मैम मैं वैसे तो अभी अपने थर्ड ईयर में हूँ कथक के मैं पहले से सीख रही हूँ तो अभी मैंने देखा कि ये स्पिक माके का हो रहा है तो मैं सोचा कि मुझे ये भी देखना चाहिए कि दूसरे टीचर्स क्या सिखा रहे हैं। अभी तो मैंने देखा कि ये वर्कशॉप मैंने पिछले दो दिन से तो मैं नहीं आ पाई पर अभी मैंने थर्ड डे पे ज्वाइन किया है मुझे पिछले दो दिन से लिंक नहीं मिल पा रहा था तो अभी मुझे बहुत अच्छा लगा कि दूसरे टीचर्स क्या सिखाते हैं उसमें कथक में। मैं अभी थर्ड ईयर में हूँ वैसे। आप वैसे कथक सीखती हैं? यस मैम। किससे सीखती हैं? मैम मेरी टीचर हैं सपना मैम एक हैं मैम। आपने बताया था। आप कहाँ से हैं? मैम मैं एमपी से हूँ मैम मंडला। फ्रॉम? मैम मंडला। ये कहाँ पड़ेगा? मैम एमपी में ही है। जागृति शंकर आप शेयर करें।
करें आप करें या जागृति ओपन नमस्कार मैं जागृति सरकार हूँ क्लास सेवन से हूँ केंद्रीय विद्यालय नंबर 2 सॉर्टले कोलकाता वेस्ट बंगाल। तो मैं स्पीक मैकिंग के साथ पिछले एक साल से जुड़ी हुई हूँ। पहले भी ऐसे वर्कशॉप्स किए थे, समागम सीरीज किए थे, लेकिन जो ये आज जो मैं कथक को वर्कशॉप कर रही हूँ ये मेरी पहली बार है। पहले ऐसा वर्कशॉप मैंने डांस का वर्कशॉप के साथ मैं जुड़ी नहीं थी। तो मैं उदयन कला केंद्र में सीखती हूँ डांस, लेकिन मैं माधुरी दीक्षित जी से कथक के लिए इंस्पायर हुई थी। मुझे उनका जो डांस फॉर्म है कथक का वो पसंद है। तो आप पहले टीचर है जिनसे मैं कथक सीख रही हूँ। तो मुझे ये वर्कशॉप बहुत ही अच्छा लग रहा है और स्पीक मैकिंग को मैं बहुत धन्यवाद बोलना चाहती हूँ कि वो आज के जमाने में हमारे क्लासिकल आर्ट फॉर्म्स को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही है। और दूसरे जो जुड़े हुए हैं उनको भी मैं थैंक यू कहना चाहती हूँ कि वो लोग अपना टाइम देके हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तो मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है और आपके साथ भी मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा। नहीं, मुझे अच्छा लगा कि आपने इसको सीरियस लिया और ऑफ कोर्स वी ऑल हैव टू बी थैंकफुल टू स्पीक मेके जिनके अथक प्रयास के वजह से हम क्लासिकल आर्ट फॉर्म को घर घर और हर हर छोटे वृक्ष के कोशिश है कि जो बच्चे सीख रहे हैं पढ़ाई कर रहे हैं उनके जड़ों तक पहुंचाएं और उसको उनको अवगत कराएं। बिकॉज ये आर्ट फॉर्म ऐसा होने लगा है कि बहुत मुश्किल है एक एक आदमी को, जहाँ हर जगह इतने कॉन्सर्ट्स और प्रोग्राम्स नहीं होते, इसीलिए ये मॉड्यूल को तय किया गया है कि हम उसको बनाएं और करें। एनी आप बताएंगे अपना एक्सपीरियंस? नमस्कार, मेरा नाम एनी मनहास है। मैं कक्षा सातवीं जवाहर नवोदय विद्यालय पपरोला कांगड़ा जो कि हिमाचल प्रदेश में है वहां से हूँ। तो मुझे स्पीक मैके के साथ बहुत अच्छा लगता है क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी अच्छी अच्छी वर्कशॉप्स होती हैं। जस्ट लाइक मैंने कथक अटेंड की है, आज ही कर भी रही हूँ। तो मैम आप बहुत अच्छा सिखाते हैं और मुझे बहुत खुशी होती है कथक सीखते हुए। और डांस फॉर्म सीखना बहुत अच्छी बात है, क्लासिकल खासकर। और मैम आपके साथ मुझे बहुत मजा आया आज की वर्कशॉप में। और आपको मजा आया पर हमारे को तो मजा नहीं आ रहा। देखिए अभी भी आप टी शर्ट पहने हुए हैं, टी शर्ट अभी आपको मैंने कितना बोला, थोड़ी देर पहले चुन्नी उतार दी थी। नहीं 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 नहीं, आप समझने की बात करें, आपको मजा आया, हमें भी बड़ा मजा आ रहा है। बट एक डेकोरम होता है जिसे मेंटेन करना पड़ेगा यानी, और अगर आप नहीं मेंटेन करेंगी तो हमें दुख भी होगा और आपको ये समझना पड़ेगा अगर इससे सीरियस आर्ट के लिए हमें कुछ नियम एंड कानून मानना पड़ेगा। आपको परसों से बोला गया है, मैंने आपको कल भी देखा था कि टी शर्ट्स एंड ट्राउजर्स या पैंट किसी भी तरीके का ड्रेस नहीं चाहिए। आपके पास क्या ऊपर का कुर्ता नहीं है? यस मैम। है ना, तो आप तुरंत उठे और जल्दी इसे बदल के एक मिनट में आ जाए सुंदर सा पहन। ओके श्योर मैम। ओके गुड़िया। एंड सलोनी वर्मा जिसको भी आप देना चाहे। मैडम शर्मिष्ठा हो गया आपका, आपने शेयर किया अपना? शर्मिष्ठा मैम। हाँ बताए, कैमरा ऑन करें। Yes, ma'am. My name is Shashmita and I am from the Titan School. First, I will thank to my school for introducing Speak Make to me, and I will thanks for Speak Make to spread the art forms and keep the art forms till the next generation. And I love to dance. I am learning Bharatanatyam from Krishna Master, and I love Kathak also. I have seen many videos on YouTube, and I chose Kathak for learning, and I thank you to teach me, and I love you. That's all. That's all. Very good. Will you? Is there anyone who want to carry this art form further? I will.
You want to carry on. Are you learning Bharatanatyam as well as? Yes, ma'am. So do you think that you will do justice with both dance form the same time? I don't think so. One should not. This is my kind advice to you as to gain the experience and know the basics structure of any art form, always welcome. It's very good window to you should open your window and see other art form as well as, but I think आपको एक ही आर्ट फॉर्म को एक ही परफॉर्मिंग आर्ट को रखना चाहिए, उसी के अंदर पारंगत होनी चाहिए, उसी में स्पेशलाइज करना चाहिए, क्योंकि उसको करने से आपका एक एक कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा और दोनों की संस्कृति और जबान और कल्चर और उनका तरीका और स्ट्रेन बहुत अलग है. कथक के जो इम्प्लीमेंट्स होते हैं, मूवमेंट को यूज करना, बॉडी लैंग्वेज बिल्कुल डिफरेंट है, भरतनाट्यम बिल्कुल डिफरेंट है. मैंने ये पाया है कि साउथ में खासकर कर्नाटक के एरिया में और साउथ में ज्यादातर कथक और भरतनाट्यम के दोनों ही डिस्टिंक्ट स्टाइल के डांसर्स होते हैं और कुछ आर्टिस्ट तो बहुत ही गजब के होते हैं, क्योंकि वो बचपन से ही वो ट्रेनिंग लेते 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 उनकी बॉडी जो है टोन हो जाती है, क्योंकि वो दिन और रात आठ आठ घंटे की ट्रेनिंग, दस दस घंटे की, बारह बारह घंटे की ट्रेनिंग दोनों आर्ट फॉर्म्स में लेते हैं, तो डिफरेंसेस थोड़े से कम दिखते हैं, बहुत रेयर दिखते हैं. पर जो बच्चे ट्रेनिंग ये भी लेते हैं वो भी लेते हैं, बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस देखे. तो मैं आपको एडवाइस करूँगी कि आप एक ही डांस फॉर्म को कैरी करें. दिस इज माई काइंड सजेशन टू यू. ओके, इज देयर एनीवन एल्स हु वांट्स टू शेयर? Is there anyone else? Sachi, हाँ बताए आप. मैम वैसे तो मेरे को हिप हॉप डांस पहले पसंद था, लेकिन मैम एक शो है ना डांस दीवाना, उसमें बहुत से कथक डांसर्स आते हैं, तो मैम मेरे को उनको देख के इंटरेस्ट बढ़ा. और मैम अब पहले तो मैं डांस क्लास में सीखती थी, बट अब डांस क्लासेस बंद हो गई हैं ड्यूरिंग टू COVID-19. तो मैम मैंने वर्कशॉप देखा, तो वर्कशॉप जो है उसमें बहुत सारे टाइप्स के डांस थे, मेरे को कथक डांस बहुत पसंद था, इसलिए मैम मैंने कथक डांस चूज किया. और मैम आपको सिखाने का तरीका भी, जितने भी मैंने आज तक टीचर्स से सीखा है, उन सबसे अलग है. मतलब मैं गलती करती हूँ बहुत जबरदस्त ना? ना मैम, आप उन सबसे अच्छा करवाते हो. कैसे पता है आपका? आपने मुझे पास कर दिया, मेरे एग्जाम वगैरह दिए हुए तुमने मुझे पास कर दिया भाई. लेकिन जो मेरे पहले टीचर थे वो डाउट नहीं सुनते थे, डायरेक्ट डांस करवाते थे. अच्छा, वो क्लियर नहीं करते, जैसे मैं वन बाय वन इंडिविजुअल पकड़ती हूँ बच्चों को, हाथ पैर सही करो, वो नहीं कराते, यही बात बोल रहे हो? यस मैम. अच्छी बात है, बहुत शुक्रिया आपका. और मुझे ऐसा लगता है कि हर एक बच्चा बहुत प्रीशियस है और उनको तवज्जो देना बहुत ज़रूरी है, उनको अप्रिशिएट करना बहुत ज़रूरी है, उनके साथ प्यार करना ज़रूरी है और आपको मुझसे प्यार करना ज़रूरी है. और ये ज़बरदस्ती नहीं होती है, ये तो श्रद्धा और प्रेम की बात होती है. तो हमारा यही ध्येय है कि इन 5 दिनों में हम आपको कथक तो क्या सिखा पाएंगे, पर बातचीत जरूर करनी चाहिए. और अपने कोई क्वेश्चन है, अब आप मुझे, हमारी बातचीत का सेशन खत्म हुआ, अब चीजें आती हैं. अभी तक आपने ताल तीन ताल, हाँ कॉपी है ना आपके पास? सीधे आप बैठ जाएं प्लीज. अब आप ध्यान से देखें, आपके पास मैंने करवाया था ताल तीन ताल, एक पे ताली, पांच पे ताली, फिर तत्कार कराया, तत्कार के बाद मैंने आपके हस्तकों को कराया, हस्तकों के बाद आपको मैंने तिहाई तत्कार की तत्कार कराए, तत्कार के बाद तिहाई कराए, फिर हस्तक कराए, फिर 5 का पैर कराया, राइट? ओके. मेरा सवाल है उमिका से, जब हम फुटवर्क करते हैं, जब हम फुटवर्क कर रहे हैं, तो जब हम पैर हाथ रखते हैं, तो उस हाथ को हम कैसे रखते हैं और उस हाथ की, हाँ शाबाश, और उस हाथ की भंगिमाओं को
क्या कहते हैं? मैम भंगिमा तो मेरे को याद नहीं, बट आई रिमेम्बर। नहीं नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, क्यों नहीं याद है? आपकी कॉपी मैंने कॉपी में लिखवाया था ना, आपके पास लिखा है, देखो कॉपी। मैम एक सेकंड, देखो कॉपी, सब देखिए, जिनके पास नहीं लिखा है वो भी लिख लें। जब हम पैरों के काम के लिए करते हैं कथक में और भाव हाथों को बांध के करते, उसको संपुट कहते हैं। क्या कहते हैं? संपुट, स आधा म प में ऊ की मात्रा ट, इंग्लिश में है एस ए एम पी यू टी, संपुट। हस्तक हम लोग यूज करते हैं कथक के दौरान। हाँ जी, इसको कहते हैं, क्या कहते हैं? हाँ, अब देखिए आपको ये तो याद है पर आपको वो याद नहीं था ये? नहीं नहीं, मैं आपको एक सवाल के जवाब दे रही हूँ कि आपको ये याद था कि ये रखना है पर आपको नाम याद नहीं, तो इसीलिए मैं कॉपी का यूज करती हूँ। एटलीस्ट आपके पास वो लिखा हुआ है और आप कभी नरिश कर रहे हो, अपनी बातों को याद कर रहे हो या किसी को बता रहे हो, तो आपने पन्ना लपटा और आपने देखा। This is what we can do. Okay? Now, मेरा सवाल है, मैम मैं आपको एक बात बताना भूल गई। हाँ जल्दी बताइए। मैं कथक पिछले 6 से 7 साल से सीख रही हूँ। अरे वाह, मुबारक हो। तब भी आपको पता नहीं संपुट कहते हैं? मैम मैं कभी, मतलब मेरे को सारे मुद्राएं मालूम है, लेकिन मैं कभी भी जैसे वर्ड्स, जैसे आपने मेरे को बताया संपुट, मैंने आज तक मेरे को ऐसे कभी लर्न नहीं हुआ है। एंड मेरी जो टीचर थी उन्होंने ऐसे कहा भी नहीं कि इसे लर्न करना ज़रूरी है, तो हम उस पर कम ध्यान रहते हैं। तो मैं फिजिकली जो मुद्राएं होती हैं मैं उन पर ज़्यादा ध्यान देती हूँ, क्योंकि मोस्टली हैंड्स वाली प्रॉब्लम हो जाती है कि कैसे रखते हैं, क्या मुद्रा ढंग की होती है, तो उस पर ज़्यादा ध्यान दिया। एंड थ्योरी पे, मतलब जब एग्ज़ाम्स होते हैं मेरी टीचर मेरे को बुक देती हैं, उससे हम लोग लर्न करते हैं, देखते हैं, तो उससे हम लोग वैसे दे देते हैं। आज तक मतलब मैंने ऐसा कभी नहीं देखा। नहीं, ऐसा नहीं है कि नहीं देखा, आपके सवाल होने चाहिए ना। हम सिर्फ दूसरों को क्यों बोले कि उन्होंने नहीं बताया? क्या आपने कोशिश की? आपने देखा ना कि आपने ऐसा, कि आप कह रही हैं कि आपको मुद्राएं आती हैं। चलिए, आपको अभिनय दर्पण की मुद्राएं आती हैं? मैम मुद्रा तो एक ये होती है, एक ये होती है, एक नहीं होती। देखिए देखिए, जब आप अगर बात कर रही हैं, एक मिनट मैम आप म्यूटेड हो। देखिए, जब हम मुद्राएं की बात करते हैं, 5 दिन में हम उसको कवर नहीं कर सकते। हम बहुत सारी चीजें हैं, हमारा नृत्य जो शास्त्रीय संगीत, शास्त्रीय नृत्य जो है वो मुद्राओं पर आधारित है। एक तो नाट्य शास्त्र की मुद्रा और नंदी के, भरत मुनि की, नंदीकेश्वर भरत मुनि की जो है नाट्य शास्त्र, नंदीकेश्वर जी की जो अभिनय दर्पण, उसमें असंयुक्त हस्तका यानी एक हाथ की मुद्रा, असंयुक्त हस्तका दो हाथ की मुद्राएं होती है, और इन्हीं मुद्राओं के ऊपर हम लोग, अनन्या गुप्ता हिलो मत ज्यादा प्लीज, डिस्टर्ब हो रही हूं मैं, तो इन्हीं दो हाथ को मिला के हम एक स्टोरी टेल करते हैं। आज मैं उसके बारे में आपको बताऊंगी, ठीक है? उनको मुद्राएं कहते हैं, और कुछ अब उसमें भी ये संपुट आता है, ठीक है, ये अराल आता है। पूरे वक्त आप पूरे डांस फॉर्म्स को देखिए, भरतनाट्यम में सबसे पहले सो पर्टिकुलर की वो मुद्रा का करवाते हैं। हम कथक में भी, हमारे जितने भी बच्चे ट्रेनिंग लेते हैं, हम उनको मुद्रा करवाते हैं, क्योंकि जैसे मैंने आपको ये बोला मयूरा है, करते तो सभी लोग हैं, मगर अब प्रचलित धीरे धीरे कथक में भी हो रहा है, काफी गुरुज इसको सीरियस लेते हैं और जो बच्चे उनसे सीखते हैं उनको मालूम है, जो बच्चे गुरु नहीं सिखाते उनको नहीं पता, तो हम सब वो फॉलो करते हैं। कथक में हम अभिनय दर्पण की मुद्राओं को फॉलो करते हैं, ठीक है? रहा सवाल, अब हम आपको मुद्रा कराएंगे, क्लास के बाद कराएंगे, ठीक है? अब हम आपको पैंच का पैर जो हमने आपको सिखाया था वो हमने आपको कराया है। अब सबसे पहले, खत्म होने से पहले
हम आपसे एक पूछना चाहते हैं कि आपने जो अभी तक सीखा है उनमें से कुछ ऐसा चीज रह जाता है जो आपको डाउट हो, किसी को डाउट है तो, किसी को डाउट है मेजर तो बताएं, किसी को डाउट है हम क्लास करते हैं। मैम हाँ बोलिए मैम, आपने जो मैम आपने जो कहा था ये ऐसे डांस होता है मैम, इसको क्या कहते हैं? मीरा इस मुद्रा को अराला मुद्रा कहते हैं, इस मुद्रा को अराल, मैं आपको चैट पे लिख दूंगी, ठीक है? ओके मैम। ओके ओके, आप सभी को जो भी डाउट है आई रिक्वेस्ट यू ऑल आप चैट में लिख दीजिए, ठीक है? आप चैट में भेज दीजिए। ओके हाँ वो कंटिन्यूटी टूट जाता है। चलिए आइए खड़े हो जाए सब लोग। आइए खड़े हो जाए सब लोग बेटा, ध्यान दीजिएगा। अभी हम आपको चक्कर की प्रैक्टिस करा रहे हैं, थोड़ा चक्कर आ सकता है बच्चों को। आपको क्या करना है, एकदम सामने जहाँ पे आपकी आई है उसके बराबर पे देखना दीवार पे, ना ऊपर देखना ना राइट देखना ना लेफ्ट देखना, जहाँ आप आपको बिल्कुल सीधा पड़े वहां देखना है। पहली बात मतलब वो देखते हुए घूमेंगे तो सब सामानों को सब चीजों को ना ध्यान से नहीं देखेंगे, हाथ को ऐसे करेंगे आप स्टार्ट करेंगे, चार पांच, एक दो चार पांच, एक मेरे साथ बोलेंगे चार पांच करें, चार पांच, एक दो पांच, चार पांच, एक दो चार पांच, चार पांच, चार पांच, चार पांच, चार पांच, करे 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 गर्ल्स कंटिन्यू प्रैक्टिसिंग योर चक्री या हाँ शाबाश करें। वन टू वन टू थ्री स्टार्ट, एक दो तीन चार पांच घूमेंगे, चार पांच घूमिए घूमिए, एक दो तीन चार पांच, जल्दी आइए, एक दो तीन चार, पैरों को मारिए राइट लेफ्ट सब,
मानेंगे 5 6 7 8 8 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 अब हाथ के साथ करेंगे, हाथ सीधा करेंगे, चक्कर आ जाए क्या, चक्कर आ रहा है, 1 सेकंड रुक जाइए। चलिए वन टू थ्री स्टार्ट, 1 2 3 4 5 नाउ हाथ को ऐसे करेंगे, हम हाथ को करेंगे स्टार्ट करेंगे बॉडी लेफ्ट की तरफ, आपकी लेफ्ट साइड आपका हार्ट जो है लेफ्ट साइड को घूमेंगे। मैं मिरर इमेज कर रही हूँ, अगर मैं नॉर्मल करूंगी तो मेरा लेफ्ट ये पड़ता है, आपका मिरर इमेज है, मैं आप कंफ्यूज ना हो, काफी बच्चे बिगिनर्स हैं, तो मैं आपको अपोजिट मिरर इमेज करूंगी। स्टार्ट करेंगे 5 6 अंजलि जी 4 5 को आप तक डिफरेंट डिफरेंट पिन करते जाएं। जी मैम, जी मैम, आप अपने कंटिन्यू करते रहिए, आप फ्री हो, ताकि ये जब देखे बच्चे तो थोड़ा सा इनको भी इंटरेस्ट हो, अपना कंटिन्यू करते रहिए। 1 2 3 स्टार्ट, 1 2 4 5 पाँच नंबर होगा, 1 हाथ खोलेंगे, वापस बंद करेंगे, 1 2 4 5 1 2 4 5 1 2 पलटो हाथ को बेटा, आपने तो 6 पैर कर लिया बेटे, कोनी मत उठाइए, कोनी उठाइए, कोनी टाइट रखिएगे, शाबाश, बहुत अच्छा नाच रहे हैं, वेरी गुड, एक्सीलेंट, चलो शाबाश करके दिखाएंगे। आप पहले मुझे देखो ध्यान से, मुझे देखो ध्यान से, 1 2 हाथ थोड़ा ना राइट लेफ्ट पैर बनाना, 1 2 पेंगे 4 5 ठीक है, और बच्ची परेशान हाल, काव्या भरद्वाज कैसे खड़ी हो रही है काव्या भरद्वाज, मैं बोल रही हूँ लेफ्ट साइड घूमे, जिधर मैं घूमे उधर घूम जाए, हाँ स्टार्ट करेंगे, 1 पलटो 3 4 5 1 पलटो 3 4 5 शाबाश, इसको थोड़ा प्रैक्टिस कीजिएगा, और अब मैं आपको जो सबसे इम्पोर्टेंट पैर है चक्कर में वो आपको सिखाने की कोशिश कर रही हूँ, आप देखिए ध्यान से देखिए, सिर्फ देखिए पैर, आपका लेफ्ट पैर है और ये आपका राइट है, आप मुझे मत दिखाओ पैर, आप सिर्फ देखो लेफ्ट है, इसके पैरों को आप ये जो ये क्या नाम है हील है तो आपका एड़ी है, इसको ऐसे रबिंग करो, रबिंग करो धीरे धीरे, लेफ्ट को पकड़ के रखो, लेफ्ट को ऐसे करो, राइट को सीधा करेंगे, अब हम लेफ्ट को ऐसे रखेंगे, ऐसे ले जाएंगे राइट की तरफ, और ये करके इस पे घूम जाएंगे, इसके लेफ्ट पे इस पे घूमने की कोशिश करो, हाँ मैं ऑपोजिट कर रही हूँ पर आप लेफ्ट उसको करेंगे, मेरे को पहले देख लीजिए ध्यान से, ये बॉडी ऐसे जाएगी एकदम, ये पैर उठेगा पीठ टाइट में, इसे ध्यान से देखिएगा, इसके ऊपर पेट का पेट हम इस पे ले आते हैं और राइट करते हैं, अब आप इसको करेंगे, ये आपका लेफ्ट है, इसको और राइट में, हाँ
लेफ्ट को यू यू कीजिए, आप घुमाएंगे बॉडी आप राइट सामने, हाथ को पकड़ के रखिएगा संपुट की मुद्रा में, तो बिल्कुल संपुट की मुद्रा एकदम टाइट रखेंगे बिल्कुल बराबर, कमर को बिल्कुल सीधा रखिए स्ट्रेट, हम पैर मारेंगे उल्टे तरह से कर लो, आप अपना उल्टा करिएगा, आप अपने आप इसको समझिए उल्टा पैर रखना, ठीक है, एंड टू एंड थ्री कर लीजिए, कोशिश कीजिए के बाद शाबाश, आप उल्टा जा रही है लड़की, आप इधर से घूमेंगे लड़की अपने अपने लेफ्ट से घूमिए, ये लड़की कौन है समझाने के बाद में ना सवाल का यही प्रॉब्लम है बच्चों का, सुनते नहीं है, सोनाली यादव व्हाट आर यू डूइंग, आई टोल्ड यू ये वाला लेफ्ट है आपका, लेफ्ट पैर से घूमेंगे, लेफ्ट को हिल रखिए, लेफ्ट पैर कौन सा है आपका, आप बार बार राइट कर रही है, कंफ्यूज हो रही है, हाँ लेफ्ट से लइए बॉडी ऐसे ले जाइए, बॉडी ऐसे ले जाके अब इसको घूमिए ऐसे, और जब हम वापिस आएंगे घूमते हैं तो पैर वी बनेगा ऐसे करके, एकदम वी बनाएंगे, ऐसे नहीं एच एच बना दिया ऐसे करके चक्कर क्या है, चलिए बनाएंगे, एक पैर मारिए एक लेफ्ट मारिए पैर, राइट पैर मारिए राइट, और ये ऐसे ले जाइए बॉडी को जाइए, करिए 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 प्रैक्टिस कीजिए, अपना प्रैक्टिस करने की कोशिश, हाँ चलिए बेटा हाथ ऐसे रखेंगे, बॉडी इधर ले जाएंगे, पहले ये हाथ नीचे नहीं होगा, हाथ को बिल्कुल टाइट रखेंगे, बिल्कुल टाइट रखेंगे, अब उसके बाद बॉडी ऐसे ले जाएंगे, अब इसके बाद ऐसे आ जाइए, शाबाश वेरी गुड, जब हम अपने जब इधर बॉडी ले जाते हैं ना तो ये कोहनी जो है ना ध्यान से देखिए, ये जो कोहनी ना इससे जैसे कोई धक्का देते हैं ना भीड़ में ऐसे ताकत लगाते हैं, जब आप एयर में ताकत लगाएंगे ना तो देखो कितना स्मूथली आता है, ये इसका और पेट के पास बिल्कुल हाथ नहीं जाना चाहिए, हाथ बिल्कुल हार्ट के सामने बिल्कुल सीधा रखेंगे, हाथ की पोजीशनिंग ये होगी, हाथ ऊपर करें, कंटिन्यू प्रैक्टिस करें, मैं एक मिनट में आती हूँ, प्रांजलि जी, जी मैम थोड़ा सा कंटिन्यू कराएं, जी मैम जी, यस नेत्रा, यस नेत्रा, यस मैम, एक्चुअली फॉर द राइट वन, सो हाउ शुड वी टर्न फॉर द राइट वन, शुड वी डू इट लाइक दिस और वी हैव टू डू इट लाइक दिस, नो यू विल डू इट लाइक दिस, द डायरेक्शन व्हिच इन व्हिच योर बॉडी इज गोइंग यू विल फोर्स इट लाइक दिस, ओके सो आई एम गोना डू इट लाइक दिस फॉर द राइट, राइट, यस, ओके थैंक यू, यू आर वेलकम, काव्या, काव्या भारद्वाज, आप हाथ को सही से पकड़े और फॉर्म रखे बॉडी को, बॉडी को ढीला रखे, यू यू घूम गिरना नहीं है, आप दूसरे पैर पे बैलेंस करें बॉडी को, इनू सी व्हाट्स योर नेम, इनू सी व्हाट्स योर नेम, मैम माय नेम इज इनू, Inu, okay. Inu, I don't see you dancing. Inu, kindly practice. Okay, ma'am. Yeah. Umesh Shafi. Yes, Priyanka Gadgil.
Yes, Priyanka Gargil. बोलिए. परिधि शर्मा. यस प्रियंका गर्गिल बोलिए. परिधि शर्मा आप कल से प्लीज चूड़ीदार पहन के आइएगा. प्रियंका गर्गिल व्हाट आर यू वेयरिंग? आपने क्या पहना है? आपसे क्या पहनने की बात की गई है? गर्ल्स Tomorrow, if you all are not wearing your attire, I will stop your video. अगर आपने इंडियन ड्रेस नहीं पहना होगा, I will stop your video. Yes, Priyanka. What is your doubt? I have nothing. Then why did you raise your hand, Priyanka? And Priyanka, please wear Indian attire. Okay, ma'am. Yes, Sachi. Ma'am. Ji. Ma'am, जो first step करवाया था वो जो first time करवाया था left right 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 left ये वाला. तत्कार की बात कर रहे हो आप? Ma'am, जो first time leg step करवाया था. उसमें आपको संपूर्ण मुद्रा रखनी है बस. ठीक है. दीप्ति या दीप्ति व्हेन मैम विल कम मैम विल आल्सो हैव अ लुक एट इट. Okay, ma'am will have a look at it. Okay, Sanchi, हाथ को खुला रखे, हाथ को बंद को जो कोनी है आपका elbow है, open your elbows. Yes, keep your body stiff. You know, keep your body straight, upright, rather than stiff. Keep your body upright. Anya Gupta, you're not circling. Anya, keep a balance on your left leg, okay? Keep your balance on the other leg. Last ज्यादा रब करेंगे तो खाल निकल सकता है, आपकी स्किन निकल सकती है. तो अगर आपको दर्द हो रहा है स्किन के नीचे, हल्का सा पाउडर लगा दीजिएगा उस जगह को, हल्का एकदम. ठीक है, एक बार लास्ट दिखा रहे हैं आई स्टिक से रब लेफ्ट का घूमते हैं सब अच्छे. मैं घूमी हूँ, आप उधर घूमे. अनन्या गुप्ता आपको समझ में नहीं आता क्या? आपको मेरी आवाज नहीं सुनाई दे रही है? अनन्या गुप्ता आपको सुनाई नहीं देता क्या बेटे? मैंने कहा मैं जिधर घूमी उधर घूमी है, आप सुन ही नहीं रहे. आप तो सीधा खड़े हो, आप लेफ्ट घूमिए अपने बार की तरफ फेस कीजिए, इस तरफ जिधर मैंने फेस किया हुआ. आपका लेफ्ट किधर है बेटा? हाँ करेंगे 1 2 3 स्टार घूमिए, हाथ ऊपर करेंगे चंदे प्रांजलि चंदे लेफ्ट की तरफ से घूमेंगे ऐसे ना आप घूमे. इसको आप करते रहिएगा प्रैक्टिस. इसको एक पैर का कहते हैं. इसके अंदर सारे चक्कर लेते हैं, पैटर्न होता है. इसके बाद इसका कोई कला नहीं है. बहुत सारे डांसर 100 भी लेते हैं, एक साथ 50 लेते हैं, सारे चक्कर से. तो
आप देखिएगा, आपको ध्यान होना चाहिए, जब भी आप देखें तो आपको समझ में आएगी एक पैर का चंदन क्या ना। टुकड़ा बोलेंगे मेरे सर हमने कल टुकड़ा किया था, खड़े हो जाए सब लोग, बैठने की कोई नहीं। आइए आइए सर मेरे साथ बोलिए, मनन करिए। अनन्या गुप्ता, वी आर बिगनिंग नाउ नेक्स्ट नेक्स्ट ताली ताल दे, लेफ्ट हैंड ऐसे रखेंगे, डाल दीजिए, बस कोई बैठेगा नहीं, सांची ऊंचाइए, फिर बैठना नहीं है, सब खड़े हो जाइए। क्या ऐसे दिखाए, हाथ दिखाए, टुकड़ा है, क्या बोलते हैं इसको, रिपीट करिए, टुकड़ा यानी पीस। ये बोलों के समूह को एक बार करने की क्रिया को टुकड़ा कहते हैं। एक दो तीन चार पांच, या ऐसे कर सकते हैं, एक दो तीन चार, एक दो तीन चार, एक दो तीन चार, एक दो तीन चार। आप ऐसे करिए, एक दो तीन चार डाल दीजिए, अनन्या गुप्ता डाल दीजिए, पांच दो दो तीन चार, पांच तीन दो तीन चार, सब। एक बार और सुनेंगे, इसके बाद मैं किसी से पूछूंगी। अंजलि जी, आप अनन्या गुप्ता जी को हटा दें पिन में से। जी मैम। उसे सीरियस बच्चे को रखें। 1 2 3 स्टार्ट। 3 3 5 बच्चों को इकट्ठे कर दीजिए, सीनियर बच्चे ही होंगे। 1 2 3 फिर से बोले, कीजिए जो तीन बच्चे हैं। जागृति आप सुनाओगे, आंकड़ा करो, ओके, दीप्ति सुनाएं, दीप्ति सुनाई, दीप्ति का कैमरा ऑन करें प्लीज। प्रियांजलि जी,
जी मैम प्लीज आप दीप्ति का कैमरा ऑन करें. ओह सॉरी यस 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 मैम. राइट तत तत थई थई तिगधा दिग दिग थई तत तत थई थई तिगधा दिग दिग थई तत तत थई थई तिगधा दिग दिग थई तिगधा दिग दिग एक तिगधा दिग दिग दो तिगधा दिग दिग सम. आपने बिल्कुल सही बोला. बस लास्ट का जो टिकदार दिग दिग ए टिकदार दिग दिग दो में आपने स्पेस दे दिया. आपको कहना था टिकदार दिग दिग ए टिकदार दिग दिग आपका जो टिकदार दिग दिग ए टिकदार दिग दिग दो इससे ज्यादा नहीं खींचना नहीं. और कौन सुनाएगा? आप सुनाइए. वर्षीन आप सुनाइए. जी मैम कौन? तुषी. तत तत थई थई तिगधा दिग दिग थई तत तत थई थई तिगधा दिग दिग थई तत थई थई तिगधा दिग दिग थई तिगधा दिग दिग एक तिगधा दिग दिग दो तिगधा दिग दिग सम. सात आप लोग को समझ में तो अब आ गया ना. चलिए अब हम यहाँ पे हाथ रखते हैं. इसको कहते हैं क्या कहते हैं? उत्पत्ति की मुद्रा. क्या कहते हैं? हाँ शाबाश. खड़े हो जाए. Thank you.
के बहुत वैरायटीज होते हैं एंडिंग पॉइंट, तो हम एंड करके कोई भी कॉम्पिटिशन होते हैं हम इज अ मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट, ये भी सिखाते हैं कि एक ऐसी गेम होता है एटीज के लिए नीचे नहीं गिरेगा आपका, अगर तुमने गिरा आप बहुत खराब डांस करते हो, डांस करते हो ऐसा मान के तुम क्लास करते हो, इसको करते हुए ये गोली बिल्कुल सीधा रहेगा, ये जैसे हाथ सीधा है ऐसे गोली सीधा हो, तुम मारो तुम मारेंगे राइट से था राइट करेंगे, फाइव सिक्स सेवन
7 is. That's cut. 3, 3. 1, 2, 3, 4, 5. That's 3, 3. 2, 2, 3, 4, 5. That's 3, 3. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 8. 1, 2, 3, 4, 2. 1, 2, 3, 4, sum. आप रिवाइज करो, एक मिनट का, एक सेकंड का दे रही हूँ, स्क्रीन पे कोई नहीं ऑफ होगा, करते रहिए प्रैक्टिस प्रैक्टिस एक मिनट. मैम आपकी आवाज नहीं आ रही है. मैम आपकी आवाज. हेलो मैम, वी कांट हियर यू मैम. Just a minute, ma'am will be back. Just a minute, okay?
आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? आपने कितना लिख लिया होगा, तक तक सही सही कितना लिख लिया है ना सभी। अब हम आपको कभी पढ़ने के लिए सुनाएंगे और आप कभी से मनन करेंगे और आज ही कभी से मुद्रा करेंगे। कभी किसको कहते हैं? कभी कहते हैं पोएट्री को। फिर हम नृत्य में किसी प्रश्न या किसी पात्र को दर्शाते हैं, श्रृंगार रश्मियां या मक्ति रश्मियां या कोई भी रश्मि और उसको काव्य जो पठन है, शब्दों का जो है वो कविता की तरह होता है, उसको हम कवित्व की स्पेलिंग होगी AABIEE कवित्व, नहीं होगा AABIEE कवित्व। ये एक हुआ, छोटे बच्चों के लिए हमने लिखा है, कॉपी खोलिए अपना, अपनी कॉपी को खोले प्लीज, जिन्होंने लिखा है कॉपी में हाथ खड़ा करें, सबने लिखा है ऐसे खड़ा करें, देखिए हाँ चलिए बोले कॉपी में देखिए हर चीज, हर लाइन शुरुआत के दो दो लाइन दो दो बार छम 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 नाचे हाल ताल देंगे, नहीं हाथ ताल देंगे उससे आप रिदम को पकड़ पाएंगे। सलोनी वर्मा ताली दीजिए, 1 2 3 start. Chum 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 chum. Na chet to tan hai. Chum 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 chum. Na chet to tan hai. Mure li ye. Lachet to talat. Mure li ye. Lachet to talat. ठीक है, मुझे कौन सुनाएगा कितनी क्या हो रहा है, कभी आप इधर कर रहे हैं कभी आप इधर कर रहे हैं, आप कितना डिस्टर्ब हो रहे हैं क्लास को। एक आप सेटिंग क्यों नहीं बना लेते हैं बार बार आप चीजों को कर रहे हैं, आप क्लास के बाद हमको एक कुछ इंस्ट्रक्शन देंगे आप उसको फॉलो करेंगे, कल मुझे ये सारी चीजें नहीं चाहिए ताकि आपका ध्यान वर्कशॉप से कॉन्सेंट्रेशन लगा रहे। दो चार चीजें हैं जो बहुत मेजर है जिसको मैं इंस्ट्रक्शन देना चाहूंगी क्लास के बाद। चलिए कौन सुनाएगा इसको, इस रचना को कौन सुनाएगा, क्वेश्चन कौन सुनाएगा, आप इनके साथ आप लोग इनके साथ बोले ताल देगा और ताल ऐसे चलेगा सबका, लेकिन आप अपना जो है बोलते भी करें। शुरू हो जाए बेटा, प्रियांजलि जी इनका ऑडियो दीजिए। चलिए आइए चम चम सब लोग लाइन देंगे, 1 2 3 आल दीजिए सब लोग, 1 2 3 चार ओके क्वेश्चन बोलो बेटा आपके साथ। चम 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 नाचते कन्हाई, चम 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 नाचते कन्हाई, मुरली ले नाचत चलत, मुरली ले लचक चलत, तकत तकत मृग नयनी राधा, तकत तकत मृग नयनी राधा, नटवर सावरो नटवर सावरो नटवर सावरो। आपने क्या बोला था शुरुआत में, चम 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 नाचत कन्हाई, मतलब चम है अच्छा बोल रही, हम बोल रहे कि चम बोल रही, चम चम नहीं होता, चम कभी होता चो,
छत्री वाला छ छम छम बोल रही हूँ हाँ जी स्टार्ट करूं छम 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 नाचत कन्हाई छम 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 नाचत कन्हाई मुरली ले लचक चलत मुरली ले लचक चलत तकत तकत मृक नैनी राधा तकत तकत मृक नैनी राधा नटवर सावरो नटवर सावरो नटवर सावरो सॉरी मैम राखी अब हम सुनने सुनाने का काम अब बंद करते हैं और अब हम खड़े हो जाते हैं पहले हम मूवमेंट कर लेते हैं ध्यान पहले दीजिए भाषण कीजिए भाषण लगाइए बोलिए छम 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 घूमेंगे नाच ऐसे तन्हाई छम 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 नाच ऐसे तन्हाई मुरली ले नाच ऐसे चलत मुरली ले नाच ऐसे चलत तकत तकत संगीत नए राधा आप मेरे मेरा कैमरे को हाँ तक कर तक कर कैमरे को बनाइए अच्छी बनाए नहीं राधा एक और फोन ही गिरा हुआ नहीं होगा बोलते रहे बोलते हुए करेंगे सब लोग बोलते हुए करेंगे नाच ऐसे कान हाई चाल चलेंगे दोनों हाथ ले
doing class? Why you are not following class? Ananya Gupta. Priyanshi ji, aap inko dekhiye, agar ye class nahi kar paate hain, to inko kal se class nahi aane denge. Kisi baith ke dekh nahi kar nahi rahi. Aapko karna hai beta Ananya. Ananya Gupta, are you listening me? Why you are not moving your hand? आप हाथ से क्यों नहीं डांस कर रहे हैं? आप सिर्फ देख क्यों रही हैं? चलो आओ चम 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 नाच ऐसे चक्कर चम 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 नाच ऐसे कन्हाई मुरली ले लच ऐसे चलत मुरली ले लच ऐसे चलत तक तक मिटे नहीं दादा तक तक मिटे नहीं दादा नाच चलिए खड़े हो जाए सब लोग, कोशिश करिए फॉलो करने की. दो बार कराऊंगी, इसे याद करने का ही समय है. वन टू थ्री स्टार्ट. सम 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 राइट पैर को ना मारना है. आगे बैठ जाए. ओके. किसी को कुछ सवाल है आज की क्लास के लिए? नो मैम, एक क्वेश्चन है. ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस. और आज की क्लास नहीं, एक मिनट पहले मैं बात कर लूँ उसके बाद. आज के क्लास के बाद मैं आपको काफी चीजें मैंने सिखाई है, इन सबको याद कीजिएगा और इसको सीरियसली लीजिएगा. प्रियांजलि जी, आप अब इसको टेक ओवर करें. बाय मैम. आई हैव डाउट. क्लास के बाद बात करें. प्रियांजलि जी, मैम मुझे भी डाउट है. प्रियांजलि जी,